दोस्तों आप सभी को खुशामदीद। एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के दरमियान ये आज का 46वां मैच खेला जाएगा, जो कि अब से 26 मिनट बाद स्टार्ट होगा। बिग बैश लीग 2021 और 2022 की सीरीज़। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने आज टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया है। तो हम ये देखते हैं कि आज जो कि है कितने रन्स बनेंगे। सबसे पहले तो मैं स्क्वाड को आपको डिस्कस करता हूँ, स्क्वाड बताऊँ कि आज दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या है। उसके बाद जो कि हम डिस्कस करते हैं कि पिच के हवाले से। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का मैच अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एडिलेड स्ट्राइकर्स के जो एक्स फैक्टर हैं वो हैं फवाद अहमद और लियाम ओकॉनर। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें ब्रिस्बेन हीट के एक्स फैक्टर्स की, तो उनमें जेक वुड और डेविड ग्रांट मौजूद हैं। उसके अलावा एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम में दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट और हेनरी हंट, जैक वीदरलैंड, जोनाथन वेल्स, थॉमस केले, हैरी नीलसन, लियाम स्कॉट, राशिद खान, हेनरी थॉन्टन, पीटर सिडल जो के कप्तान हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के। उसके बाद आखिर में सबसे हैं हैरी कॉनवे। तो ये था दोस्तों स्क्वाड एडिलेड क्रिकेट टीम का। जबकि दूसरी जानिब मैं अगर बात करूं ब्रिस्बेन हीट क्रिकेट टीम की, तो ब्रिस्बेन हीट क्रिकेट टीम का स्क्वाड है दोस्तों क्रिस लिन आज के मैच की कप्तानी कर रहे हैं, और उसके अलावा मैक्स स्वीनी, फेफर जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बेन डकेट हैं, सैम हीजलेट, जेक लेहमन, जेवियर बार्टलेट, विल प्रेस्टविच, मैथ्यू कोहनेमन, लियाम गुटहायर और मुजीबुर रहमान। तो ये था स्क्वाड आज ब्रिस्बेन हीट का। अब से दोनों टीमों के दरमियान का मैं डाटा शेयर करता हूं कि अब से इस ग्राउंड में पहले बैटिंग की एवरेज कितनी है। 28.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि दोस्तों आज का दर्जा हरारत है बिग बैश लीग का। ये मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। ब्रिस्बेन से ये मैच आपको हम बराह रास्त लेकर आए हैं। 165 दोस्तों है आज के इस ग्राउंड की एवरेज बैटिंग फर्स्ट। इस ग्राउंड में दोस्तों अब तक बैटिंग फर्स्ट की जो एवरेज है वो है 165। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में दोस्तों बैटिंग सेकंड की जो एवरेज है वो है 152। तो यहाँ से हमें पता चलता है दोस्तों कि एवरेज फर्स्ट और सेकंड के दरमियान इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब तक टोटल जो कहे दोस्तों हेड टू हेड की बात करूँ मैं, ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीमों की सेम सिचुएशन है। दोनों टीमों के दरमियान 10 मैचेस खेले गए हैं और दोनों टीमों ने 10 मैचेस में से 5-5 दफ़ा एक दूसरे को शिकस्त दी है। मतलब 50% दोनों का इक्वल रिकॉर्ड है। 10 मैचेस में से 5 दफ़ा ब्रिस्बेन हीट ने एडिलेड को शिकस्त दी, जबकि 5 दफ़ा एडिलेड ने ब्रिस्बेन हीट को शिकस्त दी। लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि यहां पर ब्रिस्बेन हीट ने आखिरी 5 मैचेस में से सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीता है, बाकी चारों के चारों मैचेस हारे हैं। जबकि एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की मैं आपको बात बताऊं सर दोस्तों, तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की भी कुछ यही सिचुएशन है कि आखिरी 5 के 5 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीता है और 4 मैचेस हारे हैं। तो यहां पर दोनों की दोस्तों तकरीबन सिचुएशन सेम है। 5-5 मैचेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ जीते हुए हैं, एक मैच जीता है और आखिरी 4 मैचेस हारे हुए हैं। अब से ठीक 23 मिनट बाद ये मैच खेला जाएगा। तब तक दोस्तों मैं आपको स्क्वाड डिस्कस करता हूँ। एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम में है मैट शॉर्ट, हेनरी हंट, जेक वीदरलैंड, जोनाथन वेल्स, थॉमस केले, हैरी नीलसन, लियाम स्कॉट, राशिद खान, हेनरी थॉन्टन, पीटर सिडल जो के कप्तान हैं दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स के, और उसके अलावा हैरी कॉनवे। तो ये था दोस्तों स्क्वाड
एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का, जबकि दूसरी जानिब अगर मैं आपको ब्रिस्बेन हीट का बताता चलूँ कि क्रिस लिन जो के हैं कप्तान हैं आज, नेथन मिक्सवीनी दूसरे नंबर पर हैं, उसके अलावा फेफर हैं जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बेन डकट हैं, सैम हीजलेट हैं, और उसके अलावा जैक लेहमन हैं, जेवियर बार्टलेट हैं, विल प्रेस्टविच हैं, मैथ्यू कोहनेमन हैं, लियाम गुडहरी और मुजीबुर रहमान। तो इस तरह से दोस्तों ये था स्क्वाड दोनों टीमों के दरमियान। एक्स फैक्टर का मैं बताता चलूँ कि ब्रिस्बेन हीट के जो दोस्तों एक्स फैक्टर हैं वो हैं जैक वुड और डेविड ग्रांट। ये हैं दोस्तों ब्रिस्बेन हीट के एक्स फैक्टर, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर्स के दोस्तों जो एक्स फैक्टर हैं वो हैं फवाद अहमद और लियाम ओ'कॉनर। लियाम ओ'कॉनर और फवाद अहमद जो के हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के एक्स फैक्टर हैं। और दूसरी जानिब दोस्तों हम आपको बताता चलूँ कि दोनों टीमों के दरमियान अब तक 10 मैचेस हुए हैं, 5 दफ़ा ब्रिस्बेन हीट जीती है, 5 दफ़ा जो के है एडिलेड स्ट्राइकर जीती है, और आखिरी 5 मैचेस में ब्रिस्बेन हीट ने सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीता है, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने भी आखिरी 5 मैचेस में से एक मैच जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त है दरमियान में वाले टेबल में। पॉइंट्स टेबल पर अगर देखें तो पहली पोजीशन तो कंफर्म है पर्थ स्कॉर्चर की, 37 पॉइंट्स हैं, और लग यही रहा है कि पर्थ स्कॉर्चर क्रिकेट टीम जो के है नंबर 1 पोजीशन पर ही फिनिश करेगी बिग बैश लीग की इस लीग के मैचेस को। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सिडनीज़ की, दोनों सिडनीज़ की बात करते हैं, तो ऐसे लग रहा है कि दोनों सिडनीज़ 2 और 3 पोजीशन पर फिनिश करेंगे, क्योंकि सिडनी थंडर के भी दोस्तों 30 पॉइंट्स हैं और सिडनी सिक्सर्स के भी 30 पॉइंट हैं। यहाँ पर जो लड़ाई होने वाली है वो होने वाली है चौथे नंबर की पोजीशन पर, क्योंकि चौथे नंबर की पोजीशन पर होबार्ट हरिकेन्स की टीम के दोस्तों हैं 21 पॉइंट्स। तो 21 पॉइंट्स तक पहुँचने के लिए ब्रिस्बेन हीट के लिए आज का मैच लाजमी जीतना है, वो भी बिग बैश बूस्ट पॉइंट। अगर तो आज का मैच बैश बूस्ट पॉइंट के साथ ब्रिस्बेन हीट जीत जाती है तो 19 पॉइंट्स के साथ पहुँच जाएगी पाँचवें नंबर पर ही, और करीब करीब पहुँच जाएगी होबार्ट हरिकेन्स के। तो मेलबर्न रेनिगेड्स और ब्रिस्बेन हीट दोनों ही दोस्तों बराबरी के मुकाबले में हैं। दोनों ही टीमें अपने अगर आखिरी के मैचेस जीत जाएं, और ब्रिस्बेन हीट की टीम होबार्ट हरिकेन्स की टीम जो कि है अपना मैच हार जाए, तो इस तरह से दोस्तों यहां पर काफ़ी हद तक चांस होगा ब्रिस्बेन हीट के पास कि वो जो कि है दाखिल हो जाएं चौथी पोजीशन पे। तो दोस्तों अगर मैं हम बात करें कि पिछली दफ़ा ब्रिस्बेन हीट पिछले मैच में दोनों टीमें जब एक दूसरे के आमने सामने आई, तो ब्रिस्बेन हीट ने पहले बैटिंग करते हुए पिछले मैच में 208 बनाए, जो कि आखिरी दफ़ा मैच खेला गया 18वां मैच था इस बिग बैश लीग का ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के दरमियान। पिछले मैच में ब्रिस्बेन हीट ने पहले बैटिंग करते हुए 208 बनाए, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर्स ने दोस्तों 170 रन्स किए 20 ओवरों में। तो इस तरह से पिछला मैच ब्रिस्बेन हीट ने जीता, उससे पहले जो कि दोस्तों 2021 का जो एलिमिनेटर खेला गया वो भी ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के दरमियान खेला गया, बहुत ही सनसनीखेज मैच था वो, 131 का टारगेट मिला था जो ब्रिस्बेन हीट ने चेस किया था। तो आखिरी के 10 मैचेस में दोस्तों 5 मैचेस जीती हुई है ब्रिस्बेन हीट की टीम और 5 मैचेस जीती हुई है एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। तो आखिरी 5 मैचेस में 4 मैचेस जो कि ब्रिस्बेन हीट ने हारे हुए हैं, सिर्फ एक जीता है। इसी तरह एडिलेड स्ट्राइकर्स ने भी 4 में से 4 हारे हैं और एक जीता है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें टॉप विकेट टेकिंग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट की, तो सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलर लेने वाले हैं एंड्रयू टाई जो कि पर्थ स्कॉर्चर के हैं। एंड्रयू टाई ने दोस्तों 19 विकेटें लेकर पहली पोजीशन पर कब्जा जमाया हुआ है। दूसरे नंबर पर दोस्तों हैं केन रिचर्डसन, मेलबर्न रेनिगेड्स से इनका ताल्लुक है दोस्तों, मेलबर्न रेनिगेड्स के कप्तान भी रह चुके हैं, 18 विकेटें हैं इनके पास। और सेकंड पोजीशन पर हैं तीसरे नंबर पर दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स के कप्तान पीटर सिडल, तीसरे नंबर पर दोस्तों पीटर सिडल हैं 18 विकेटें लेने के बाद। चौथे नंबर पर सिडनी सिक्सर के दोस्तों हेडनकर हैं, हेडनकर के दोस्तों 17 विकेटें हैं। पांचवें नंबर पर सीन एबिट हैं जिनकी 15 विकेटें हैं। तो ये था दोस्तों विकेट टेकिंग बॉलर्स थे जिनकी मैंने लिस्ट बताई। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट टॉप रन स्कोरर की, कि टॉप रन स्कोरर कौन है इस लिस्ट में। सबसे पहला नंबर है दोस्तों, कोई शक नहीं है, होबार्ट हरिकेन्स के बेन मैकडरमिट का। 2 दफ़ा इन्होंने दोस्तों सेंचुरी बनाई हुई है इस बिग बैश लीग में, और शानदार अपनी बैटिंग की बदौलत 9 इनिंग्स में 495 रन्स किए हुए हैं होबार्ट हरिकेन्स के बेन मैकडरमिट ने। दूसरे नंबर पर दोस्तों कॉलिन मनरो मौजूद हैं 353 रन्स के साथ। तो यहाँ पर फिलहाल
पिच जो कह दो भाई मुकम्मल तौर पर फ्लैट है, फास्ट बॉलर्स के लिए सपोर्टिंग है क्योंकि ब्रिस्बेन की पिच ज़्यादातर सपोर्ट करती है फास्ट बॉलर को। बाउंस मिलेगा मुकम्मल तौर पर फ्लैट है, शुरू शुरू में इन स्विंग देखने को मिलेगी, आउट स्विंग देखने को मिलेगी और 15 ओवर्स के बाद दोस्तों यहाँ पर जो कि है रिवर्स स्विंग भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये था पिच का हिसाब किताब। तो ये था दोस्तों पिच का हिसाब किताब। तो बैटिंग फर्स्ट के लिए जो कि है ज़्यादा मैसर रहेगी पिच और बॉलर्स के पास भी मौका होगा कि पहले बैटिंग पहले शुरू शुरू में जो कि है पावर प्ले में अच्छी स्विंग करें, इन स्विंग करें, आउट स्विंग करें और मुकम्मल तौर पर पिच से फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्या है मैं आपको बताता चलूँ, अब से सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट के बाद ये मैच शुरू होगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के दरमियान जो कि 46वां मैच है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि टॉप स्कोरर पर हैं इस लिस्ट के बेन मैकडरमट, 495 रन हैं। कॉलिन मनरो दोस्तों दूसरे नंबर पर हैं 353 रन के साथ। तीसरे नंबर पर मौजूद हैं जेसन सांगा 329 रन के साथ। तो यहाँ पर बेन मैकडरमट की पहली पोजीशन को तो बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है दोस्तों। तो अगर हम बात करें हाइएस्ट इंडिविजुअल रन स्कोरर की इस टूर्नामेंट में, तो हाइएस्ट इंडिविजुअल रन स्कोरर जो के हैं वो हैं बेन मैकडरमट के, जिनके जो के हैं 127 रन इन्होंने बनाए एक मैच में। जबकि दूसरे नंबर पर कॉलिन मनरो मौजूद हैं जिन्होंने 114 रन बनाए एक मैच में। तीसरे नंबर पर फिर बेन मैकडरमट मौजूद हैं जिन्होंने 110 रन बनाए, क्योंकि ड्रीम टीम बॉलर मेरे भाई यहाँ पर मैं ड्रीम टीम बॉलर्स में हमारे पास जो के है अगर मैं बात करूँ तो एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की, तो राशिद खान हैं, पीटर सिडल हैं, हैरी कॉनवे हैं, जबकि ब्रिस्बेन हीट में कोहनेमन है, गुडहरी हैं और मुजीबुर रहमान हैं। ये हैं ड्रीम टीम के बॉलर्स। और जैसा कि मैं बता रहा था कि हाईएस्ट रन्स इन दिस इनिंग्स इन इंडिविजुअली, तो वो थे ग्लेन मैक्सवेल जिनके 103 रन्स हैं, मेलबर्न स्टार्स से इनका ताल्लुक है। मिचेल मार्श ने एक सेंचुरी बनाई हुई है, जॉर्ज फिलिप ने 99 रन्स बनाए हुए हैं, डैनियल सैम्स ने 98 बनाए हुए हैं। तो पाँच ऐसे बैट्समैन हैं, जी हाँ चार ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने इस लीग में सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन वह बेन मैकडरमट वो वाहिद बल्लेबाज हैं दोस्तों जिन्होंने दो सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं। कॉलिन मनरो ने एक सेंचुरी बनाई हुई है, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श इन तीनों ने एक एक सेंचुरी बनाई, जबकि दो सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं यहाँ पर बेन मैकडरमट ने। दोस्तों अगर हम बात करें टॉप विकेट टेकर बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट की, तो पीटर सिड इंडिविजुअली जो अच्छा फिगर है वो किसका है, सबसे पहला नंबर जो के है उसमें पीटर सिडल का है। पीटर सिडल ने जो के है दोस्तों 23 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। बेन डुवार्शियस दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों, सिडनी सिक्सर्स के हैं, इन्होंने भी दोस्तों 26 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है ये। तो ये था दोस्तों ये वो दो बॉलर्स हैं जिन्होंने इस सीज़न में 5-5 विकटें हासिल की हुई हैं, पीटर सिडल और बेन डुवार्शियस के अलावा और कोई ऐसा बॉलर नहीं है दोस्तों जिन्होंने सीज़न 11 में बिग बैश लीग के सीज़न 11 में 5-5 विकटें हासिल की हुई हों। स्टीव ओकिफ ने दोस्तों 4 विकटें हासिल की हुई हैं 14 रन देकर एक इनिंग में। उसके अलावा साकिब महमूद ने भी दोस्तों 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। तो दोस्तों ये था यहाँ पर हाईएस्ट इंडिविजुअल विकेट टेकिंग टूर्नामेंट का। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों मोस्ट सिक्सेस की, सबसे ज़्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने लगाए, दोस्तों एक ही नाम आता है जो टॉप स्कोरर हैं वो हैं बेन मैकडरमट। बेन मैकडरमट ने दोस्तों 24 छक्के लगाए हुए हैं, कार्टराइट ने 17 छक्के लगाए हैं, मैट शॉट ने 16, डैनियल सैम्स ने 15, कॉलिन मनरू ने 15, जो क्लार्क ने 14, एलेक्स हिल्स ने 13, जॉर्ज फिलिप ने 13, मिचेल मार्श ने 12, सैम बिलिंग्स ने भी 12 छक्के लगाए हुए हैं दोस्तों। तो ये था यहाँ पर छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों का रिकॉर्ड। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पर आज जो ब्रिस्बेन हीट है, ब्रिस्बेन हीट के अगर हम बल्लेबाज को देखें तो ब्रिस्बेन हीट का सैम हिजलेट हैं जिन्होंने 12 छक्के लगाए हैं और 11वें नंबर पर मौजूद हैं। अगर तो आज के मैच में सैम हिजलेट 2 से 3 छक्के, 4 छक्के भी लगाते हैं तो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में, क्योंकि सैम हिजलेट अब तक के टॉप सिक्सर ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल रह चुके हैं पास्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 बताऊं। तो इनकी प्लेइंग 11 में दोस्तों हैं मैट शॉट, हेनरी हंट, जेक वीदरलैंड, जोनाथन वेल्स हैं दोस्तों, उसके अलावा हैं थॉमस कैले, हैरी नीलसन, लियाम स्कॉट, राशिद खान, हेनरी थॉर्टन,
पीटर सिडल, हैरी कॉनवे। तो ये था स्क्वाड दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर क्रिकेट टीम का। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट की, तो ब्रिस्बेन हीट के स्क्वाड में दोस्तों हैं क्रिस लिन जो के कप्तान हैं, वो इनकी कप्तानी जो के है अच्छी है, इसी वजह से इनको कप्तान बरकरार रखा गया है। अगरचे ब्रिस्बेन हीट के पास बहुत कम चांसेस हैं टॉप फोर में दाखिल होने के लिए। नैथन मिक्सवीनी फेफर जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उसके अलावा दोस्तों मौजूद हैं बेन डकेट, सैम हीजलेट हैं, जेक लेहमन हैं दोस्तों, जेवियर बार्टलेट हैं, जेवियर बार्टलेट के अलावा दोस्तों प्रेस्टविच हैं, और उसके अलावा दोस्तों मैथ्यू कोहनेमन है, लियाम गठरी और मुजीबुर रहमान। तो दोस्तों ये था स्क्वाड यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट का, और मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ कि दोनों टीमों ने अब तक 10 मैचेस खेल रखे हैं। 10 मैचेस में दोस्तों 5 मैचेस एडिलेड स्ट्राइकर ने जीते हैं और 5 मैचेस ब्रिस्बेन हीट ने जीते हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट 10 मैचेस खेलने वाले ब्रिस्बेन और एडिलेड स्ट्राइकर्स में दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 5 मैचेस जीते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स ने और 5 मैचेस जीते हैं ब्रिस्बेन हीट ने। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 5 मैचेस का डाटा दूँ, पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस हारे हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स ने और सिर्फ एक ही मैच जीता है। पिछले 5 मैचेस में दोस्तों 4 मैचेस हारे हैं, एक मैच जीता है, और एडिलेड स्ट्राइकर का भी यही हाल है, ब्रिस्बेन हीट का भी यही हाल है कि पिछले 5 मैचेस में दोस्तों 4 हारे हैं और एक मैच जीता है। लाइव ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर। एक भाई पूछ रहे हैं, रहीमा बेगम पूछ रहे हैं कि आज कौन सा मैच जीतेगी, ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स। दोनों टीमें जो कि हैं दोनों बराबर हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों टीमें बराबर हैं, ठीक है। तो चूंकि ब्रिस्बेन का होम ग्राउंड है तो हो सकता है यहाँ पर ब्रिस्बेन के लिए एडवांटेज है, क्योंकि ब्रिस्बेन अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। तो मेरा ख्याल है कि आज ब्रिस्बेन के पास चांस है मैच को जीतने का, तो ब्रिस्बेन आज का मैच दोस्तों जीत सकती है। तो जैसा कि मैं और बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर बैटिंग पिच है, फ्लैट सरफेस है, हल्की हल्की जो कि है ग्रास मौजूद है, हल्की हल्की ग्रास के साथ दोस्तों हमें मिलेगा यहाँ पर मुकम्मल तौर पर शुरू शुरू में स्विंग, मुकम्मल तौर पर दोस्तों शुरू शुरू में हमें स्विंग देखने को मिलेगा। फास्ट बॉलर स्विंग करेंगे और उसके अलावा स्पिनर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना सपोर्ट करेगा, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट में जो स्पिनर्स हैं ख़ास तौर पर मुजीबुर रहमान है, लेकिन मुजीबुर रहमान एक ऐसे बॉलर हैं दोस्तों जो किसी भी पिच पर अच्छी बॉलिंग करते हैं, अगरचे वो स्पिनर्स के लिए सपोर्टिव ना भी हो तो उस पर अच्छी भी बॉलिंग करते हैं मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पर उनके लिए एक इम्तिहान है, देखते हैं कि वो आज किस तरह से बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अच्छा बॉलर वही है स्पिनर जो पिच जिस पर ब्रेक ना भी हो और उस पर भी जो है अच्छी बॉलिंग करे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आज के से पहले 10 दफ़ा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। 10 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आने के बाद 5 मैचेस जीते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स ने और 5 मैचेस जीते हैं ब्रिस्बेन हीट ने। तो दोस्तों आप किस टीम के फैंस हैं, यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर के या ब्रिस्बेन हीट के, अपनी राय का दोस्तों इजहार दीजिए और वोट कीजिए पूल में, बताइए हमें ताकि हमें पता चले कि हमारे चैनल पर एडिलेड स्ट्राइकर के फैंस ज़्यादा हैं या ब्रिस्बेन हीट के। तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 58% जो के हैं वो हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के फैंस, जबकि दूसरी जानिब 42% फैंस हैं ब्रिस्बेन हीट के। इसका अब 56 हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक एडिलेड स्ट्राइकर्स के फैंस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगर तो आप फैंस हैं तो आपको ये दुआ करनी चाहिए कि एडिलेड स्ट्राइकर्स अपने पिछले सारे मैचेस जीते। यहाँ पर आज एडवांटेज है एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास मैच जीतने का, इसीलिए क्योंकि ब्रिस्बेन हीट के पास जो कि है उनकी सबसे वीक बैटिंग लाइनअप है आज, जो कि है मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिस्बेन हीट ने में फ़खर जमान को भी आज नहीं खिलाया, वो भी इसी वजह से कोरोना वायरस के जो चंद इश्यूज हुए हैं, उसके अलावा इनके कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से जो कि है फ़खर जमान को भी आज चांस नहीं दिया गया। फ़खर जमान वोंट बी एबल फॉर टू नाइट्स कॉन्टेस्ट कर्टसी टू द स्टेट गवर्नमेंट बॉर्डर एंट्री रूल्स, तो ये जो कि है इसी वजह से फ़खर जमान को भी नहीं खिलाया गया। तो मिडल ऑर्डर जो क्या है बहुत ही यहाँ पर वीक हुआ हुआ है, रिंशा भी नहीं है मिडल ऑर्डर में। तो देखते हैं आज किस तरह से ब्रिस्बेन हीट की टीम परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों भारी जिम्मेदारी आई होती है
क्रिस लिन जो के कप्तान हैं ब्रिस्बेन हीट के, इस टूर्नामेंट में तो दोस्तों उन्होंने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया क्रिस लिन ने, लेकिन जो के आज उनको हर सूरत में परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। ब्रिस्बेन हीट को मैं बताता चलूँ, टॉप फोर में दाखिल होने के लिए सारे के सारे पिछले मैचेस जीतने, अगले मैचेस जीतने होंगे, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट का मैं बताता चलूँ 15 पॉइंट्स हैं, जबकि हवार्ड हरिकेन्स की टीम के 21 पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो 15 पॉइंट्स और 21 पॉइंट्स में 6 पॉइंट्स का फ़र्क है। अगर तो आज बैश बूस पॉइंट के साथ ये मैच जीतती है ब्रिस्बेन हीट की टीम, 4 पॉइंट्स लेकर करीब करीब पहुंच जाएगी, तो चांस है इनके पास दाखिल होने का टॉप फोर में। तो दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था, क्रिस लिन पर काफ़ी जिम्मेदारी आई होगी, क्योंकि मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आज ब्रिस्बेन हीट का, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर दोस्तों। और मैं यहां पे आपको बताता चलूं, क्रिस लिन इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, पिछले मैच में 13 रन्स किए, उससे पहले इन्होंने 2 रन्स किए मेलबर्न स्टार के अगेंस्ट, उन्होंने पहले 57 रन्स किए, उससे पहले 10 स्कोर बनाए, फिर उससे पहले 4 बनाए, 27 बनाए, 9 बनाए, तो इतनी अच्छी फ्लो में नहीं है क्रिस लिन। आज क्रिस लिन को चाहिए कि अच्छी परफॉर्मेंस दें यहाँ पे, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन क्रिएट होने वाली है ब्रिस्बेन हीट के लिए। अगर तो टॉप फोर में शामिल होना है, बाकी सारे मैचेस जीतने होंगे, तो बाकी सारे मैचेस जीतने के लिए दोस्तों क्रिस लिन को चाहिए कि वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करें और अपनी टीम की बैटिंग को लीड करें। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ और सिर्फ मैच को शुरू होने में 13 मिनट बाकी हैं, 13 मिनट के बाद ये मैच शुरू हो जाएगा। अब से सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट बाद दोस्तों ये मैच शुरू होगा, तब तक जो कि मैं एक दफ़ा फिर से आपको स्क्वाड बताता चलूं दोस्तों। आज के स्क्वाड में खास तौर पर ब्रिस्बेन हीट में क्रिस लिन है कप्तान, मैक्सवीनी है, फेफर हैं जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बेन डकेट हैं दोस्तों, सैम हीजलेट हैं दोस्तों, जेक लेहमन है, जेवियर बार्टलेट हैं, विल प्रेस्टविज हैं, मैथ्यू कोहनेमन हैं, लियाम गुथरी हैं दोस्तों, और मुजीबुर रहमान। तो ये था दोस्तों स्क्वाड ब्रिस्बेन हीट का। और जो एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 है, उसमें मैट शॉर्ट हैं दोस्तों, हेनरी हंट हैं, जेक वीदरलैंड, जोनाथन वेल्स, थॉमस केले, हेनरी नीलसन, लियाम स्कॉट, राशिद खान, हेनरी थॉर्नटन और पीटर सीडल और हैरी कॉनवे। तो दोस्तों ये था स्क्वाड एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का। तो ये मैंने आप सभी से स्क्वाड डिस्कस किया। अब से कुछ ही देर बाद दोस्तों मैच शुरू होगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट का। याद रहे कि एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले जो के है बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो इस पिच पर जो के है पहले बल्लेबाजी करते हुए जो एवरेज है दोस्तों वो है 165। तो यहाँ से पता चलता है कि इस पिच पर बैटिंग फर्स्ट का कितना एडवांटेज है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट की जो एवरेज है वो 165। इसको मद्देनज़र रखते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम को 160 तक का फाइटिंग टोटल लाजमी देना होगा, 160 से ऊपर का। और अगर तो 170 करने में कामयाब हो जाएंगे तो वो एक मुश्किल टारगेट होगा ब्रिस्बेन हीट के लिए, क्योंकि उनके पास आज इतना अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है उनके पास। तो यहाँ पर ये था सिचुएशन, ये सारी जिस सिचुएशन थी जो मैंने आपसे दोस्तों डिस्कस की है। मैं आपको बताता चलूँ कि एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने दोस्तों टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ब्रिस्बेन हीट के पास आज रेनशा भी नहीं है, फ़खर जमान भी नहीं है, तो मिडल ऑर्डर जो कि थोड़ा सा कमज़ोरी का शिकार है दोस्तों। तो देखते हैं कि इस कमज़ोरी के शिकार मिडल ऑर्डर में कितने रन्स बनाने की ताकत है, आज सोचना होगा एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर्स को खास तौर पे। तो दोस्तों मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक के बाद। 5 मिनट की ब्रेक के बाद मैं दोबारा से कमेंट्री जारी रखूंगा, और जैसे ही प्लेयर्स मैदान में दाखिल होते हैं, बिल्कुल जो कि है प्लेयर्स अभी रेडी हो रहे हैं, दोनों अंपायर्स ग्राउंड में आ चुके हैं, यहाँ पर विकटों का मुआयना कर रहे हैं। जैसे ही प्लेयर्स मैदान में दाखिल होते हैं मैं दोबारा से अपनी कमेंट्री स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कहीं जाइएगा मत।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं मैच को शुरू होने में। मैच को शुरू होने में बिल्कुल जो कि है कोई देर बाकी नहीं है। दोनों प्लेयर्स खड़े हुए हैं बाहर, अंपायर का इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही अंपायर इशारा देंगे तो प्लेयर्स जो कि है खेल जारी करेंगे। यहाँ पर प्लेयर्स जो कि है दोस्तों मैदान में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से अब से कुछ ही देर बाद जो कि है मैच शुरू हो जाएगा। दोस्तों दोनों प्लेयर्स हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के, दोनों ओपनर्स मैदान में आ चुके हैं यहाँ पर। और हम अगर फील्डर्स की बात करें तो दोस्तों फील्डर्स ने भी यहाँ पर प्लानिंग करना शुरू कर दी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पहला ओवर कौन डालेगा आज। दोस्तों हेनरी हंट और मैथ्यू शॉर्ट जो के हैं वो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और ब्रिस्बेन का ये दोस्तों मैदान है, ब्रिस्बेन के इस मैदान में आज का मैच खेला जाएगा। और यहाँ पर जो के है तैयार है ब्रिस्बेन हीट की टीम और एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। तो यहाँ पर किट का मैं बताता चलूँ क्योंकि दोनों की किट सेम है। यहाँ पर जो के है सीज़न स्नैपशॉट देखें, ब्रिस्बेन हीट ने 3 मैचेस जीते हैं, 7 मैचेस हारे हैं। सबसे ज़्यादा विकटें ली हैं बार्टलेट ने, 11 विकटें ली हैं। और सबसे ज़्यादा रन किए हैं सैम हीजलेट ने 246। तो ये था दोस्तों ब्रिस्बेन हीट का सीज़न 11 की अब तक की परफॉर्मेंस। दोनों ओपनर्स आ चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के पिच की जानी बढ़ रहे हैं। मैथ्यू शॉर्ट है दोस्तों एक तरफ और दूसरी तरफ है यहाँ पर हमारे पास हेनरी हंट। उम्मीद ये की जाती है दोस्तों कि है मैथ्यू शॉर्ट जो के है वो आगाज़ करेंगे और देखते हैं कि मैथ्यू शॉर्ट जो के है आज के मैच में कितने रन्स करेंगे। सबकी नज़रें आज ब्रिस्बेन हीट के सैम हीजलेट पर हैं, लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर्स में आज जो के है सबकी नज़रें मौजूद होंगी मैथ्यू शॉर्ट पर। और जेवियर बार्टलेट को दोस्तों पहला ओवर देने का फैसला किया है। सामना करेंगे यहां पर मैथ्यू शॉर्ट जो के फास्ट बॉलर हैं, जेवियर बार्टलेट जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पिछले मैच में कोविड की वजह से नहीं खेल सके, कोविड इशूज़ की वजह से 723 रन्स किए हुए हैं। मैट शॉर्ट ने 127 का स्ट्राइक रेट है, 72 जो के है दोस्तों इनका हाईएस्ट स्कोर है। ये हैं दोस्तों मैट शॉर्ट जो सामना करेंगे। दूसरी जानिब हेनरी हंट हैं जिनके 70 स्कोर हैं बिग बैश लीग कैरियर में, 109 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट इनका दोस्तों 18 हैं। जेवियर बार्टलेट सामना करने के लिए तैयार हैं, 23 मैचेस में 23 विकटें लेने वाले, 22 की एवरेज के साथ 8.21 का इकोनॉमी रेट है, 30 रन्स देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करना, ये है इनका हाईएस्ट इंडिविजुअल बॉलिंग परफॉर्मेंस। सामना करने के लिए तैयार हैं दोस्तों जेवियर बार्टलेट का पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। और एडिलेड मैं आपको बताता चलूं कि एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार हैं। काउंट डाउन शुरू हो चुका है दोस्तों, 5, 4, 3, 2 और 1। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है दोस्तों, पहली गेंद करेंगे यहाँ पर और पहली बॉल बहुत ही ज़बरदस्त आउट स्विंग हुआ, बॉल को डिफेंसिव अंदाज में खेल दिया लेकिन जो कि है कोई रन नहीं बना। तो इस तरह से दोस्तों एक बॉल के बाद कोई रन नहीं बने और दूसरी बॉल पर अब फिर सामना करेंगे यहाँ पर जेवियर बार्टलेट का। जेवियर बार्टलेट की दूसरी गेंद पर सामना करने के लिए तैयार हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, ज़ोरदार शॉट लगाना चाहते थे लेकिन दोस्तों कामयाब नहीं हुए। बॉल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आउटस्विंग हुआ और सीधा गया विकेट कीपर के ग्लव्स में, बहुत ही शानदार जो कि दोस्तों हमें शुरू में ही आउटस्विंग देखने को मिल गया है यहाँ पर। तीसरी गेंद पर फिर से सामना करने के लिए तैयार हैं दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट हैं यहाँ पर, सामना करेंगे जेवियर बार्टलेट का और एक दफ़ा फिर से फुलर लेंथ बहुत था और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त आउट स्विंगर और ये गेंद जो कि है सीधा गया विकेट कीपर के हाथों में। तो 3 ज़बरदस्त आउट स्विंगर देखने को मिले हमें जेवियर बार्टलेट की बॉल पर। 3 गेंदों पर दोस्तों कोई रन नहीं बन सका यहाँ पर। ब्रैड हेडन ब्रैटली और ब्रैंडन स्पीड जो कि दोस्तों आज के मैच में कमेंट्री कर रहे हैं, ब्रैंडन स्पीड, ब्रैटली और ब्रैड हेडन आज के मैच में कमेंट्री करते हुए। ब्रैड हेडन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जेवियर बार्टलेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से जेवियर बार्टलेट की तारीफ़ों के पुल बिछाए हुए हैं। इन्होंने शॉर्ट पिच बॉल डाल बैठे हैं यहाँ पर और इसको उठाकर खेल दिया है डीप मिड विकेट की जानिब, 2 रन हासिल करेंगे यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, 2 रन मुकम्मल कर चुके हैं। तो अच्छी भली फुलर लेंथ बॉल कर रहे थे, आउट स्विंगर डाल रहे थे लेकिन यहाँ पर शॉर्ट पिच बॉल डालने का इरादा किया, पुल किया सीधा शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी लेकिन लेग साइड पर जो फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद था 1 रन हासिल किया। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि शुरू शुरू में बहुत ही ज़बरदस्त आउट स्विंग बॉल देखने को मिला है, आउट स्विंग बॉल की वजह से दोस्तों यहाँ पर रखा गया है स्लिप में 2 फील्डर रखे गए हैं जेवियर बार्टलेट के लिए। सामना करने के लिए तैयार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आउट स्विंग, एक दफ़ा फिर से ज़बरदस्त आउट स्विंग डॉट बॉल दोस्तों यहाँ पर।
तो दो स्लिप के फील्डर रखे गए हैं जेवियर बार्टलेट के, और बिल्कुल भी मायूस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जेवियर बार्टलेट। तो दोस्तों सामना करेंगे यहाँ पर जेवियर बार्टलेट अब तक जो के है बहुत ही अच्छा ओवर आता हुआ, कोई बाउंड्री इन्होंने नहीं दी अपने ओवर में दोस्तों, कोई भी बाउंड्री नहीं दी जेवियर बार्टलेट ने अपने ओवर में। तो सामना एक दफा फिर से करने के लिए दोस्तों तैयार हैं जेवियर बार्टलेट का। एक दफा फिर से डाउन द लेग साइड बॉल थी, इन स्विंगर डालने की कोशिश की थी लेकिन बॉल जो के है मुकम्मल तौर पर लाइन और लेंथ से मिस हो गया, डाउन द लेग साइड बॉल गई, वाइड अंपायर ने इशारा दिया है वाइड का। तो इस तरह से दोस्तों वाइड बॉल आ चुकी है, आज के मैच का पहला एक्स्ट्रा रन आ चुका है दोस्तों, पहला एक्स्ट्रा रन आया वाइड की सूरत में, और अब तक एडिलेड स्ट्राइकर क्रिकेट टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों 5 गेंदों के बाद 3 रन बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। पहली गेंद 127 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी गेंद 128, फिर 134, 130, 135 और 136। फुलर लेंथ बॉल था, आउटसाइड एज लगाया, गेंद जाएगी पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ, थर्ड मैन के फील्डर जो कि बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे तेजी से दौड़ते हुए आए गेंद को उठाने में दोस्तों कामयाब हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ 3 रन हासिल किए हैं यहाँ पर, तो बहुत ही ज़बरदस्त आउट स्विंग देखने को मिल रही है, जैसा कि मैं कह रहा था कि आउट स्विंग देखने को मिल रही है। खेलना ये चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन जो कि है गेंद बल्ले के भारी किनारे को लगकर पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से गई बाउंड्री लाइन की तरफ। तो इस तरह से दोस्तों स्कोर हो चुका है पहले ओवर के अख्तितम पर 6 रन। किर्बी एबर्ट जो के हैं दोस्तों फीमेल रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट कर रही हैं बाउंड्री लाइन से यहाँ पर ब्रैटली ब्रैट हेडन और स्पीड ब्रेंटन को। दोस्तों ये हैं आज के मैच के कमेंटेटर्स, मैट शॉट 6 गेंदों पर 5 रन बनाने वाले, सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरे ओवर में गठरी को लाने का फैसला किया है दोस्तों, गठरी आएंगे, 7 मैचेस में इन्होंने 6 विकेटें हासिल की हुई हैं दोस्तों, 30 का जो क्या है इनका एवरेज है और 9.47 का इनको इकोनॉमी रेट है, स्ट्राइक रेट है दोस्तों 19 का, और जो हाइएस्ट जो क्या है वो है इनका 32 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट करना दोस्तों। लियाम गठरे सीज़न 11 का ये इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने 7 मैचेस में 6 विकेटें हासिल की हैं, सामना करने के लिए दोस्तों इनका तैयार हैं। पहली गेंद पर एडिलेड स्ट्राइकर के सामना करेंगे मैथ्यू शॉट, ब्रैड हेडन ब्रैडली और स्पीड ब्रेंटन आज के मैच के दोस्तों कमेंटेटर्स हैं यहाँ पर। और मैं बारिश के हवाले से खबर दे दूँ दोस्तों, 20% चांस है आज के मैच में बारिश के होने का, 20% चांस है, तो देखते हैं 20% चांस में क्या बनेगा। यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार हैं, फुलर लेंथ बॉल था आउटसाइड ऑफ स्टंप और इस बॉल को उठाकर खेल दिया है शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से, इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी, गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती और 4 रन दोस्तों मिलेंगे यहाँ पर, और सॉरी 2 रन मिलेंगे यहाँ पर, इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती, तो इसी वजह से दोस्तों 2 रन हासिल किए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं 2 रन और स्कोर हो चुका है बढ़ता हुआ 1 ओवर के बाद 8 रन दोस्तों, 1 ओवर के बाद मुकम्मल हो चुके हैं दोस्तों 8 रन। और अब तक जगह मैं एवरेज बताऊं अगर गठरी की जो एवरेज है वो है 30.33 दोस्तों, 30.33 जो के है वो एवरेज है गठरी की। और यहां पर जो के है सामना करेंगे मैट शॉट एक दफ़ा फिर से गठरी की दूसरी गेंद का, और यहां पर जो के है इस बॉल को खेलना चाहते थे ज़ोरदार तरीके से लेकिन जो के है खेलने में कामयाब नहीं हुए और शॉट मिस हो गई है। यहाँ पर फुलर लेंथ बॉल था दोस्तों, फुलर लेंथ बॉल को क्रॉस द स्टंप्स खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जो के है सीधा पैड पर लगी, और पैड पर लगने के बाद फील्डर ने सॉरी बॉलर ने अपील की थी आउट की लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करा दिया, वो इसीलिए नॉट आउट करा दिया क्योंकि बॉल जो के है पिच्ड आउटसाइड लेग स्टंप टिप खा रही थी, इसी वजह से अंपायर ने नॉट आउट करा दिया है। जी एक भाई कह रहे हैं नाइस स्पीच, जी आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप, अगर आपको मेरी कमेंट्री पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर बैट्समैन दोस्तों थोड़ी सी तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं क्योंकि बॉल जो क्या सीधा इनके पैड पर लगी थी, और अब जो क्या दोबारा खेलने के लिए तैयार है। मैट शॉट की पेस के अगेंस्ट फुलर लेंथ पर 29 की एवरेज है, 7 एवरेज गुड लेंथ पर है, शॉर्ट पिच पर एवरेज जो क्या 28 की है। और दोस्तों इन साइड एज लगाए, गेंद जो क्या हवा में और कैच आउट होते होते बच गए हैं यहाँ पर, स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे, इन साइड लगने के एज लगने के बाद गेंद लगी बूट पर, बूट को लगने के बाद दोस्तों गेंद हवा में खड़ी हो गई थी और बॉलर खुद गए थे गेंद को कैच करने के लिए और डाइव भी लगाई थी कैच पकड़ने के लिए, लेकिन जो क्या दोस्तों कैच पकड़ने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि गेंद पहले ही आगे गिर गई थी। अच्छा जी अली अब्बास साहब कह रहे हैं कि एडिलेड जीतेगा, चलें देखते हैं एडिलेड जीतता है या नहीं,
दोस्तों आप किसको सपोर्ट करें, एडिलेड को सपोर्ट करें या एडिलेड्स के फैंस हैं या ब्रिस्बेन हीट के फैंस हैं, तो अब वोट में वोट दीजिए पूल में, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो कि है एडिलेड की आवाम ज़्यादा है या ब्रिस्बेन की। फुलर रेंथ बॉल इस बॉल को पंच किया है कवर की जानिब, कवर की जानिब जो कि है दोस्तों फील्डर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद थे और वो आएंगे तेज़ी से दौड़ते हुए गेंद को उठाने के लिए और दो रन मिलेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको फील्ड प्लेसमेंट दोस्तों बताता चलूँ कि थर्ड मैन और फाइन लेग दोनों दायरे के अंदर मौजूद हैं, डीप बैकवर्ड पॉइंट जो कि है वो लिया गया है बाउंड्री लाइन पर, और डीप बैकवर्ड पॉइंट के अलावा एक फील्डर लिया गया है दोस्तों डीप स्क्वायर लेग की जानी बाउंड्री लाइन पर। एक भाई कह रहा है कितने स्कोर मारेगी, और हमें लगता है कि 160 रन बनेंगे यहां पर, क्योंकि 165 की एवरेज है और 160 का फाइटिंग टोटल बनाने में कामयाब हो जाएगी एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। 10 गेंदों पर दोस्तों 10 रन बन चुके हैं बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। मैट शॉट 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर मौजूद हैं। गट हरी की राइट हैंडेड के अगेंस्ट 10 की इकोनॉमी रेट है, लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट 9 की इकोनॉमी रेट है। फुलर लेंथ बॉल को उठाकर खेलना चाहते थे, आउटसाइड एज लगा गेंद जाएगी शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए। 180 की कर रहे हैं, चलें ठीक है मेरे भाई देखते हैं 180, जबकि दीपक साहब कह रहे हैं कि स्कोर जो कि 150 के अंदर अंदर रहेगा, चलें देखते हैं मेरे भाई कितना स्कोर बनेगा। मेरा तो ख्याल है कि 160 बन जाएगा यहाँ पर। तो एक दफ़ा फिर से रिप्ले देखते हैं। फुलर लेंथ बॉल था, आउटसाइड ऑफ स्टंप था, आउट स्विंग हो रहा था गेंद, इस बॉल को एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन आउटसाइड एज लगा, थर्ड मैन जो कि दायरे के अंदर मौजूद था उसके सर के ऊपर से गई 2 बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। मैट शॉट की राइट हैंडेड बैट्समैन बॉलर के अगेंस्ट पेज 16 है, जबकि लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट 27 है। बैकफुट पर बॉल को पंच किया है सीधा शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथों में, डॉट बॉल नहीं मेरे भाई, फखर जमान नहीं खेल रहा आज। तो 2 ओवर्स के बाद दोस्तों 14 ओवर रन्स हो चुके हैं बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। मैट शॉट ने दोस्तों दोनों के दोनों ओवर्स मैट शॉट ने खेले हैं अब तक। अब सामना करेंगे दोस्तों हैरी हंट, ब्रैटली ब्रेंटन, स्पीड ब्रेंटन, और दोस्तों यहां पर ब्रैट हेडिन है जो आज के मैच के कमेंटेटर्स हैं, कमेंट्री करेंगे आज के मैच में। 2 ओवर्स में दोस्तों हो चुके हैं 14 रन, 12 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं मैट शॉट ने। दूसरी जानी हेनरी हंट अब सामना करेंगे पहली बॉल का यहां पर। वालेकुम सलाम शमशेर साहब। बार्टलेट जो कि अपना पहला ओवर कर चुके हैं, 6 रन इन्होंने दिए हैं, दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हैं। दो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ब्रिस्बेन के ग्राउंड से ये मैच बराह रास्त है और मुकम्मल तौर पर धूप निकली हुई है आज के मैच में, और 20% जो कि बारिश का चांस है, लेकिन वो शाम को होगा जब क्या नाम है इसका मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो जाएगा। तो दोस्तों प्रसाद रहमान की टीम जर्सी चेंज है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है आपने, फ़खर जमान की टीम की, हाँ बिल्कुल फ़खर जमान की टीम की जर्सी चेंज है। जेवियर बार्टलेट की इकोनॉमी रेट राइट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट 8 है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट 7 है, तो तकरीबन बराबर बराबर है। फुल लेंथ बॉल थी, इस बॉल को खेल दिया है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास से, गेंद उन्होंने रोकी और डायरेक्ट हिट लगी है, लेकिन खुशकिस्मत रहे हैं बैट्समैन के डायरेक्ट हिट नहीं लगी, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो ज़रूर आउट होकर वापस जा चुके होते अब तक। कवर ड्राइव खेली थी हेनरी हंट ने दोस्तों, शॉट लगाना चाहते थे लॉन्ग ऑफ और शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के दरमियान से, लेकिन जो कि है दोस्तों शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की वजह से जो कि है गेंद उनके पार नहीं पहुंचा सके, उन्होंने डाइव लगाकर गेंद को रोका और फौरन जो कि है थ्रो किया, और डायरेक्ट हिट अगर लगती तो दोस्तों पक्का पक्का आउट होते। एक भाई कह रहे हैं कि 40+ मारेगा हंट, ठीक है मेरे भाई 40+ देख लेते हैं। और स्ट्रेट ड्राइव खेली है, गेंद जाएगी सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में, एक दफ़ा फिर से तेज सिंगल लिया है और इस दफ़ा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है दोस्तों, बताता हूँ मैं क्या गड़बड़ हुई है। एक भाई कह रहे हैं कहाँ से हो आप, मैं पाकिस्तान से हूँ मेरे भाई, कौन सा मंत्रा है पागल समान चेन्नई, पता नहीं क्या लिखा हुआ है मेरे भाई कामरान खान खान साहब, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बुरी खबर ये है कि बल्लेबाज इंजर्ड हो चुके हैं, मेरा ख्याल में ये मैट शॉट हैं, जी हाँ सिंगल मैट शॉट ने लिया है, तो मैट शॉट जो कि इंजर्ड हो चुके हैं। वो हुआ ये है कि दोस्तों मैट शॉट ने ड्राइव लगाई, ड्राइव सीधा गई लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जैसे ही बॉल को पकड़ा फौरन उठा के थ्रो करना चाहते थे और डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, लेकिन जो कि दोस्तों मैट शॉट पहुंच चुके थे और गेंद जो कि सीधा उनकी एल्बो में लगी, जो थ्रो फील्डर ने किया था वो सीधा उनकी एल्बो में लगी, तो इस तरह से दोस्तों जख्मी हो चुके हैं यहाँ पर, बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस दफ़ा जो कि है दोस्तों, और दूसरे बताऊं कि इससे पहले भी इनको पैड पर जब बॉल लगी तब भी ये काफ़ी तकलीफ में महसूस थे, तो इंजर्ड हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और बाहर से लाया गया है मैजिक स्प्रे, फिजियो को बुलाया गया है जो कि इनके कोहनी का मुआयना कर रहे हैं। और एक भाई कह रहे हैं कोहने मन कब बॉलिंग करेगा, मेरे भाई मैंने अभी कप्तान से नहीं पूछा, कप्तान जैसा ब्रिस्बेन हीट के जो कप्तान हैं क्रिस लिन, तो वो देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं कोहने मन का। एक दफ़ा फिर से मैं बताता चलूं कि यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं दोस्तों मैट शॉट, और रन लेना चाह रहे थे दोस्तों, और फील्डर की भी कोई गलती नहीं है, दरअसल वो जो कि डायरेक्ट हिट मारना चाह रहे थे, लेकिन उनका निशाना जो कि है बिल्कुल ख़राब था, उनका निशाना विकटों की बजाय सीधा जो कि है मैट शॉट के
बाजू पर लग गया और लेफ्ट हैंड की जो एल्बू है उस पर जाकर गेंद जो के है लगी है, और अब यहाँ पर उन्होंने दोबारा से ग्लव्स उठा लिए हैं खेलने के लिए। मैट शॉर्ट ने दोस्तों 48 मैचेस में 737 रन्स किए हुए हैं, 126 का इनका स्ट्राइक रेट है दोस्तों, 18 की इनकी एवरेज है, 72 इनका जो क्या है बेस्ट है दोस्तों। दोस्तों क्या हो गया ये मैट शॉर्ट को, मेरे भाई मैंने अभी बताया है, एक भाई कह रहे हैं बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा सब के सब भाई, मेरे भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फ़खर जमान का मैं आपको बताता चलूँ, SOPs के मद्देनज़र जो के है एक इनका रूल है, उसकी वजह से जो के है फ़खर जमान को नहीं खिलाया गया। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कोहनी पर बहुत जोर का निशान बना हुआ है यहाँ पर मैट शॉर्ट का, और स्ट्रेट ड्राइव के लिए स्ट्रेट ड्राइव सीधा बार्टलेट के हाथों में जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों डॉट बॉल आई है, 2.3 ओवर्स के बाद स्कोर हो चुका है 16 रन बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। तो दोस्तों यहां पर जो कि है ब्रैटली ब्रेंड हेडिन और ब्रेंटन स्पीड जो कि है आज के मैच में कमेंट्री कर रहे हैं, 2.3 ओवर्स के बाद 16 रन चौथी गेंद पर सामना करने के लिए तैयार है। फुलर लेंथ बॉल थी, इस बॉल को खेल दिया है सीधा शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के पास से, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर गेंद के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार जाने से रोका है। बड़ा ग्राउंड है, मुश्किल है यहाँ पर, और इस तरह से दोस्तों 3 रन हासिल किए हैं यहाँ पर। तो 2.4 ओवर्स के बाद स्कोर हो चुका है 19 रन, और मैथ्यू शॉर्ट को इंटरनेशनल मैच खिलाना चाहिए, देखते हैं मेरे भाई मैथ्यू शॉर्ट को इंटरनेशनल मैच खेलता है या नहीं, इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है यहाँ पर। अच्छा बैट्समैन है ये बात जरूर बिल्कुल है, लेकिन जो कि है इंटरनेशनल स्क्वाड में जगह बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। इनसे अच्छे बेन मैकडरमट है, लेकिन अभी भी जो कि है उनकी इंटरनेशनल स्क्वाड में जगह नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हो सकता है उनकी स्क्वाड में जगह बने। शॉर्ट पिच बॉल थी, पुल कर दिया यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगी दोस्तों पहली बाउंड्री, क्या पहली बाउंड्री मिलेगी? नहीं, ब्रिस्बेन का बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, डीप मिड विकेट की जाने पुल करके गेंद को खेला था, शॉर्ट स्क्वेयर लेग से फील्डर जो कि है तेजी से डीप स्क्वेयर लेग से फील्डर तेजी से दौड़ते हुए गेंद के पीछे गए और गेंद को पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक और 3 रन हासिल किए, तो 22 रन हो चुके हैं दोस्तों स्कोर बढ़ता हुआ बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। एक दफा फिर से बताता चलूं, शॉर्ट पिच बॉल थी, पुल किया था इस बॉल को मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि गेंद जाती बाउंड्री लाइन के पार। एक भाई कह रहे हैं एडिलेड जीतेगा, चलें देखते हैं मेरे भाई एडिलेड जीतेगा या नहीं। हाँ ये बताता चलूंगा मैं, ब्रिस्बेन हीट की आज बैटिंग लाइनअप थोड़ी कमजोर है यहाँ पर, मैट रेनशॉ भी नहीं खेल रहे आज, तो दो गेंदों पर मुसलसल दो दफ़ा 3 बन चुके हैं यहाँ पर। सामना करने के लिए तैयार हैं दोस्तों हेनरी हंट, और फुल लेंथ बॉल थी, इस बॉल को कवर ड्राइव मारा है लेकिन गैप नहीं ढूंढ सके, गेंद जाएगी सीधा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथों में। डॉट बॉल के साथ ओवर का इख्तिताम किया दोस्तों, 3 ओवर्स के बाद हो चुके हैं 22 रन बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। जी हाँ बिल्कुल, और 3 ओवर्स में दोस्तों 22 रन हो चुके हैं बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने। और मैं एक दफा जल्दी से स्क्वाड बता देता हूँ, मैट शॉर्ट, हेनरी हंट, जेक वीदरलैंड, वेल्स, कैली स्कॉट और राशिद खान, हेनरी नीलसन, थॉर्नटन, पीटर सीडल और हेनरी कॉनवे, ये था स्क्वाड दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर क्रिकेट टीम का। मैट शॉर्ट और हेनरी हंट को ओपनर भेजा गया है, और मैट शॉर्ट के दोस्तों हो चुके हैं 14 गेंदों पर 17 रन, जबकि हेनरी हंट के हो चुके हैं 4 गेंदों पर 4 रन दोस्तों। 3 ओवर्स में अब तक स्कोर हो चुका है 22 रन बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। सामना करने के लिए तैयार हैं मैट शॉर्ट 14 गेंदों पर 17 रन बनाने वाले। प्रेस्टविज को दोस्तों बॉलिंग देने का फैसला किया है, 2 विकेटों इन्होंने ली हुई हैं सीज़न 11 में, और 11 की इकोनॉमी रेट है, 16 का इनका स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट इनका 37 रन देकर 2 खिलाड़ियों। हाय जी मनीष ठाकुर साहब, आपको भी हाय। फुलर लेंथ बॉल थी, जोरदार तरीके से इसको उठा करके खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से, एक बाउंस के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। तो आखिरकार दोस्तों चौके का इंतजार खत्म हुआ और ये एक और चौका लगाया है यहाँ पर। तो दोस्तों 26 रन हो चुके हैं दोस्तों बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। दूसरा चौका लगाया है मैट्यू शॉर्ट ने, पहला चौका लगाया था मैट शॉर्ट ने पॉइंट के थर्ड मैन के फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन यहां पर फुल लेंथ बॉल था, इसको खेल दिया है जोरदार तरीके से लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से उठाकर, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। तो प्रेस्टविज का वेलकम किया है पहली ही गेंद पर चौका लगाकर। सामना करेंगे एक दफ़ा फिर से मैट शॉर्ट। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने मैं आपको बता दूं कि 5-7 मैचेस में से 5 मैचेस जीते हुए हैं इस ग्राउंड में। शॉर्ट पिच बॉल थी, इस बॉल को पुल किया है यहाँ पर डीप मिड विकेट की जानब, डीप स्क्वायर लेग की जानब से फील्डर तेजी से दौड़ते हुए गेंद को उठाने के लिए आएंगे, और गेंद को उठाने में दोस्तों कामयाब हुए हैं, और इस तरह से दोस्तों 2 रन लेने में भी कामयाब हो चुके हैं। तो 20 गेंदों का दोस्तों खेल हो चुका है, 28 रन बन चुके हैं बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर, और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ 4 गेंदों का रह चुका है सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले को खत्म होने में। पावर प्ले को दोस्तों खत्म होने में 4 गेंदों का खेल रह चुका है मुकम्मल तौर पर। इस दफा जो कि रन रेट है दोस्तों 8.4 रन्स। अली अब्बास साहब कह रहे हैं कि 196 रन्स बनेंगे 20 ओवर में, चलें देखते हैं 20 ओवर में 196 रन्स बनते हैं, वैसे इतना आसान है नहीं इस ग्राउंड में बनाना। फुल लेंथ बॉल थी, इस बॉल को जो कि दोस्तों डिफेंसिव अंदाज में खेल दिया है इस दफा मैट शॉर्ट ने,
और मैं आपको बताता चलूँ 21 गेंदों में से 17 गेंदों का सामना किया है अभी तक मैट शॉर्ट ने, और हेनरी हंट ने सिर्फ और सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया है। ब्रैड हेडिन ब्रैडली और ब्रेंटन स्पीड जो कि दोस्तों आज के मैच के कमेंटेटर्स हैं कमेंट्री कर रहे हैं, 3 गेंदों का खेल बाकी है पावर प्ले को ख़त्म होने में। दोस्तों मैट शॉर्ट की विकेट गिरेगी, चलें देखते हैं मैट शॉर्ट की विकेट गिरती है या नहीं। सामना करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, 3 गेंदें रह चुकी हैं पावर प्ले को ख़त्म होने में, मौजूदा रन रेट है मुकम्मल तौर पर 8 रन पर ओवर, और सामना करेंगे प्रेस्टविच का मैट शॉर्ट। एक बार फिर से फुलर लेंथ बॉल थी, इस बॉल को गाइड कर दिया है शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। दोस्तों अंपायर ने चौके का इशारा दिया तो इस ओवर का दूसरा चौका, गलत बॉल डाली है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा लेग साइड पर बॉल डाली, इस बॉल को आसानी से गाइड किया, गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास से और शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास से बाउंड्री लाइन की जानिब, क्योंकि शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर जो कि है बाउंड्री लाइन पर मौजूद नहीं था, डायरेक्ट अंदर मौजूद था, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है और इस तरह से 4 रन हासिल किए दोस्तों। तो 22 गेंदों का दोस्तों खेल हो चुका है, 32 रन हो चुके हैं बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर, और अब तक 10 रन बन चुके हैं दोस्तों। 4 गेंदों पर सामना करने के लिए तैयार हैं। एक दफा फिर से फुल लेंथ बॉल था, जोरदार शॉट लगाना चाहते थे, बहुत ज़बरदस्त इन स्विंगर आया और ये बॉल जो कि है दोस्तों में इन स्विंगर बल्ले के निचले किनारे से लग कर सीधा विकेट कीपर के हाथों में गया है और इस तरह से पहली विकेट गिरेगी मैट शॉट की। बिल्कुल सही प्रेडिक्शन की है सुरेश कुमार ने दोस्तों, फुल लेंथ बॉल थी, इन स्विंगर देखने को मिला है, इन स्विंगर बॉल के बल्ले के निचले किनारे पर लगा गेंद जो कि है सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई है और इस तरह से दोस्तों बहुत ही शानदार कम बैक किया है प्रेस्टविच, जिसका जो कि है मैं बताता चलूँ प्रेस्टविच का ये ओवर महंगा तरीन ओवर साबित हो रहा था। इस ओवर में काफ़ी जा रहे हैं अंदाज में खेलना चाह रहे थे मैट शॉट, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, एंड में अपनी विकेट गवा के गए। 19 गेंदों पर 27 रन इन्होंने बनाए, 3 चौके लगाए, 9 डॉट बॉल्स खेली, 142 का दोस्तों इनका स्ट्राइक रेट है, फेफर ने इनका कैच पकड़ा, इस तरह से दोस्तों आउट होकर वापस जा चुके हैं। नए आने वाले बल्लेबाज हैं दोस्तों जैक वेल, जी हाँ बिल्कुल ठीक बोला था आपने, 11 मैचेस में 153 रन बनाने वाले, 17 की एवरेज है, 110 का स्ट्राइक रेट है, 150 बनाई है, हाईएस्ट इनका 51 है। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, ये पता नहीं है बैटिंग पिच है, 190 रन बन जाएंगे भाई मेरे, मैंने कब कहा है कि बॉलिंग पिच है, बिल्कुल बैटिंग पिच है, मैंने ये नहीं कहा कि 190 रन नहीं बनेंगे, मैंने ये कहा है कि एवरेज जो 160 की है तो उम्मीद की जाती है कि 160 रन बनेंगे, हाँ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास आज जो कि है इतनी खास जो कि बैटिंग लाइनअप नहीं है, लगता नहीं है कि 190 रन तक पहुँच सकेंगे, हाँ 160 या 170 करेंगे, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट की बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप जो कि है बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की। यहाँ पर तो विकेट मिली है दोस्तों, यहाँ पर पावर प्ले का आखिरी बॉल है, सामना करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज दोस्तों जेक वीदर लैंड जो कि इनका रन रेट है इनिंग्स का रन रेट है दोस्तों 8.35, सामना करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर वीदर लैंड प्रेस्टविच का, जिन्होंने पहले ही ओवर में 10 रन दिए हैं लेकिन एक विकेट लेने में दोस्तों कामयाब रहे हैं। यहाँ पर जेक वीदरलैंड सामना करेंगे, एक फील्डर स्लिप में बुलाया गया है, फुलर लेंथ बॉल थी, कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगा, पॉइंट से फील्डर आए हैं रन आउट करने के लिए, डायरेक्ट हिट नहीं लगी दोस्तों, इनसाइड एज लगा, बॉल लगी पैड पर, लगने के बाद पॉइंट के फील्डर के पास जा रही थी, पॉइंट के फील्डर तेजी से दौड़ते हुए आए, बॉल को थ्रो किया और इस तरह से दोस्तों पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना काउंट ओपन किया 4 ओवर के बाद 33 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर दोस्तों पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है यहाँ पर। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो कि है 5 मिनट का वक्फा दे दीजिए, मैं ज़रा वॉशरूम से हूँ फिर आके दोबारा से कमेंट्री स्टार्ट करता हूँ। भावलपुर से हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्फा दे दीजिए, मैं वॉशरूम से हूँ फिर दोबारा कमेंट्री स्टार्ट करूँगा, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों।
तो दोस्तों कोहने मन को आया गया है, तो जिन भाई को कोहने मन का इंतज़ार था वो भाई खुश हो जाएं क्योंकि कोहने मन को ले आए गए हैं यहाँ पर। तो दोस्त एक भाई कह रहे हैं कि एडिलेड विल विन द मैच 100% श्योर। अब हंट कुछ रन दिखाएगा, देख लेना, देखते हैं हंट दिखाएगा। 1000 पे किया हुआ है रिपोर्ट के लिए, दे टोल्ड मी एडिलेड, सो सब लोग एडिलेड जाओ, अपने अपना घर बचाओ, देखते हैं मेरे भाई। और एक भाई कह रहे हैं आपको कमेंट्री नहीं आती। अच्छा ठीक है मेरे भाई, आपको ज़्यादा अच्छी आती होगी कमेंट्री। बैक फुट पर जाकर इस बॉल को कवर की जानी खेल दिया, एक रन मिलेगा दोस्तों। इस तरह से स्कोर हो चुका है 41 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 5.3 ओवर्स के बाद दोस्तों यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार हैं। प्रेडिक्टर ये बता रहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम 174। अच्छा चलें सुरेश कुमार साहब बताएं कि यहाँ पर जो के है क्या कमी है कमेंट्री में। फुलर लेंथ बॉल को खेल दिया है सीधा फाइन लेग के हाथों, फाइन लेग में दोस्तों खड़े हुए हैं मुजीबुर रहमान, डायरेक्ट हिट किया है लेकिन जो के पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। तो 4 गेंदों पे दोस्तों 4 रन्स दे चुके हैं, 4 सिंगल दिए हैं कोहने मन ने। अब सामना करने के लिए तैयार हैं इस दफ़ा एडिलेड स्ट्राइकर्स के जेक वीदरलैंड, जिनके 6 गेंदों पे दोस्तों हो चुके हैं 5 रन। सामना करने के लिए तैयार हैं गैबा ब्रिस्बेन से ये मैच ब्राह रास्त। ब्रिस्बेन हीट आर लुकिंग टू विन 3 स्ट्रेट ओवर द स्ट्राइकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 2 मैचेस पिछले जीते हुए हैं ब्रिस्बेन हीट ने, तो ये जो कि मैच जीतना चाहती है ब्रिस्बेन हीट। और बैकफुट पर जाकर इस बॉल को पंच किया है, तो इस तरह से दोस्तों 1 रन मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों सिंगल हो चुका है 5.5 ओवर्स के बाद दोस्तों 43 रन हो चुके हैं खिलाड़ी के नुकसान पर। 6 रन बनाए हैं जेक वीदरलैंड ने, 9 रन बनाए हैं हंट ने 9 गेंदों पर। दोस्तों बैटिंग करने का पहले फैसला किया, 6 गेंदों पर मुसलसल 6 सिंगल मिले हैं कोहने मन की बॉलिंग पर। आज जो क्या है दोस्तों क्रिस लिन को कमाल दिखाना होगा क्योंकि इनकी टीम की बैटिंग लाइनअप जो क्या है दोस्तों काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ पर अगर तो इनकी टीम की बैटिंग लाइनअप कमज़ोर है, इसी चीज़ का जो क्या है यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए क्रिस लिन को लीड करना होगा और कमाल दिखाना होगा। यहाँ पर सामना करेंगे आखिरी गेंद पर हंट, 9 गेंदों पर 9 रन बनाने वाले, थोड़ी सी पीछे बॉल थी, इस बॉल को पंच किया है बैकफुट जाकर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। फील्डर जो के मौजूद थे, 1 रन मिलेगा यहां पर। तो इस तरह से दोस्तों 6 ओवर्स के बाद स्कोर पहुंच चुका है 44 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। मैं मेरे भाई भावलपुर से कमेंट्री कर रहा हूं, पाकिस्तान के में पंजाब का शहर है भावलपुर, तो वहां से कमेंट्री कर रहा हूं मैं। 6 ओवर्स के बाद दोस्तों हो चुके हैं 44 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का। अब तक जो के है दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इस पार्टनरशिप में कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है अब तक ब्रिस्बेन हीट की जानिब से। टोटल 3 चौके लग चुके हैं दोस्तों, 3 के 3 चौके लगाए हैं मैट शॉट ने जो कि आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूं एडिलेड स्ट्राइक आखिरी के 5 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 41 रन बने हैं। आखिरी के 5 ओवर्स में 1 विकेट गिरी है हिंकली, मिकेला हिंकली जो के है इंटरव्यू दे रहे हैं बाउंड्री लाइन से। पार्टनरशिप अब तक 12 रन की बन चुकी है। 13 गेंदों पर आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज थे दोस्तों मैट शॉट, जो कि फेफर के हाथों कैच आउट हुए और प्रेस्टविच ने इनकी विकेट हासिल की थी। 19 गेंदों पर 27 रन बनाए थे और उस वक्त दोस्तों 3.5 ओवर्स में 32 रन था इनकी टीम का। चलें देखते हैं एडिलेड स्ट्राइकर जीतती है या नहीं, क्योंकि मेरे जो कि है चैनल पर आज एडिलेड स्ट्राइकर्स के बहुत ज़्यादा फैंस भरे पड़े हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एडिलेड को ही सब जितवाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर मुजीबुर रहमान सामना करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के। और पहली गेंद को खेल दिया है कवर की जानी, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा हंट को। तो दोस्तों इस तरह से 1 रन हासिल किया, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 45 रन। सामना करने के लिए तैयार हैं इस दफा, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया है सर के ऊपर से, बाउंड्री लाइन के पार जाएगी यहाँ पर, अंपायर के सर के ऊपर से दोस्तों गेंद को खेला है यहाँ पर। और इस तरह से चौका लगाने में कामयाब हुए हैं हेनरी हंट। तो इस तरह से दोस्तों पहली बाउंड्री लगाई है हेनरी हंट ने, और स्कोर जो कि दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ हेनरी हंट का हो चुका है यहाँ पर 11 रन हो चुके हैं दोस्तों, 10 रन हो चुके हैं, सॉरी दोस्तों 11 रन हो चुके हैं 12 गेंदों के बाद दोस्तों 11 रन हो चुके हैं। और इस दफ़ा जो कि है डाउन द लेग साइड बॉल वाइड जाती हुई, अंपायर ने इशारा दिया है कि ये बॉल वाइड है, इस बॉल को वाइड होने में कोई शक नहीं है दोस्तों। एक दफ़ा फिर से सामना करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर, और इस बॉल को बैक फुट पर जाकर खेल दिया लेग साइड की जाने, फील्डर जो कि बाउंड्री लाइन से तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, 1 रन मुकम्मल किया है। तो दोस्तों इस तरह से 4 गेंदों का खेल हो चुका है इस ओवर में, 4 गेंदों पर अब तक दोस्तों 2 सिंगल 1 वाइड और 1 चौका, टोटल 7 रन बन चुके हैं यहाँ पर। और स्कोर जो कि दोस्तों बढ़ता हुआ हो चुका है 51 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 6.4 ओवर के बाद। सामना करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर, और सामना करेंगे इस बॉल को कवर की जानब, ड्राइव मारना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए।
और सेकंड लास्ट बॉल पर सामना करेंगे दोस्तों यहां पर हेनरी हंट, और रिवर्स स्वीप करना चाह रहे थे दोस्तों, लेकिन जो कि गेंद मिस हुई और सीधा जो कि है विकेट कीपर के पास जाएगी। और इस तरह से जो कि है रितेश साहब कह रहे हैं मेरा कैप्टन जो कि है हेनरी हंट है, ठीक है मेरे भाई। और यहां पर दोस्तों आखिरी गेंद बाकी है, सामना करने के लिए तैयार हैं दोस्तों मुजीबुर रहमान, आखिरी गेंद पर सामना करेंगे। और एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को उठा दिया है, लेकिन जो कि इतनी पावरफुल शॉट नहीं थी कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती। तो इस तरह से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो ही रन मिलेंगे। तो सात ओवर्स के बाद दोस्तों स्कोर पहुंच चुका है 53 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, 7.57 का जो कि है दोस्तों मौजूदा रन रेट है। तो यहाँ पर जो कि है देखते हैं पहली इनिंग्स में कितने रन बनेगा। हीट को हारना होगा मेरे भाई, हीट की हार से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर तो ब्रिस्बेन हीट जीत जाती है तो उनके चांसेज होंगे टॉप फोर में एंटर होने के। एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास बहुत ही कम चांसेज हैं दोस्तों टॉप फोर में इंटर होने के लिए। ब्रिस्बेन हीट की टीम गैबा में दोस्तों 50वां बिग बैश लीग का मैच खेल रही है। 19 मैचेस इन्होंने ब्रिस्बेन में गैबा ब्रिस्बेन में हारे हुए जीते हुए हैं, 29 मैचेस हारे हुए हैं यहां पर। तो बहुत ही खराब रेशियो है यहां पर ब्रिस्बेन हीट की इस ग्राउंड में। तो यहां पर देखते हैं ब्रिस्बेन हीट आज का मैच क्या जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि 19 मैचेस जीते हुए हैं और 29 मैचेस हारे हुए हैं यहां पर। तो यहाँ पर जो के है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला ओवर देने के लिए मैथ्यू कोहने बनाए हैं करवाने के लिए अगला ओवर। सामना करेंगे इनका दोस्तों जेक वीदरलैंड, कोहने मन का सामना करेंगे दोस्तों जेक वीदरलैंड। तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट अच्छा देखने को मिलेगा, पता नहीं मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि आज 50 लगेंगे या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो के है मैं अभी इसे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि 50 मारेगा हेनरी हंट या नहीं। और पहली गेंद पर सामना करने के लिए तैयार हैं, बैकफुट पर जाकर बॉल को खेल दिया दोस्तों, कवर की जाने फील्डर मौजूद हैं, बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। तो इसी के साथ स्कोर हो चुका है दोस्तों बढ़ता हुआ 54 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। दूसरी गेंद पर सामना करेंगे यहाँ पर, और फुलर लेंथ बॉल थी दोस्तों, इस फुलर लेंथ बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में। इस तरह से दोस्तों एक रन हासिल किया है और स्कोर जो क्या है दोस्तों पहुंच चुका है 55 रन्स एक खिलाड़ी के नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स का 7.2 ओवर्स में। 7.2 ओवर्स में दोस्तों स्कोर पहुँच चुका है 55 रन्स पर। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिस्बेन हीट में अब तक जो के है अब तक जो कि 19 मैचेज हारी हुई है ब्रिस्बेन हीट, और 29 मैचेस हारी हुई है, 19 मैचेस जीती हुई है। बैकफुट पर जाकर जेक वीदरलैंड ने इस बॉल को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, लॉन्ग ऑफ की जानिब फील्डर जो कि दोस्तों बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे। इस तरह से दोस्तों एक रन हासिल किया और स्कोर हो चुका है बढ़ता हुआ 56 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 7.3 ओवर्स के बाद। 15 गेंदों पर 14 रन बनाए हैं हेनरी हंट ने, जेक वीदरलैंड ने दोस्तों 11 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं। नहीं मेरे भाई, मुझे कुछ भी नहीं लगता, मैं इस तरह की खैर प्रेडिक्शन तो नहीं करता, मैं जस्ट लाइव कमेंट्री करने का आती हूँ और लाइव कमेंट्री करता हूँ। अभी तक जो कि जारहाना तो अंदाज़ मैंने देखा नहीं है हेनरी हंट का, और इस दफ़ा कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल को उठाकर खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन जो कि लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद के नीचे तक पहुँच जाएंगे और गेंद को उठाने में कामयाब होंगे। इस तरह से दोस्तों 2 रन हासिल किए हैं यहाँ पर, तो 2 रन हासिल किए हैं अब तक इस ओवर में, 3 सिंगल्स और 1 डबल आ चुके हैं दोस्तों। स्कोर हो चुका है 58 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 7.4 ओवर के बाद जेक वीदरलैंड का 11 गेंदों पर 13 रन हो चुके हैं, हेनरी हंट का दोस्तों 16 गेंदों पर 16 रन हो चुके हैं। कोहने मन अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। एक भाई कह रहे हैं एडिलेड जीतेगा, तो ज़्यादातर लोग आज यही कह रहे हैं कि एडिलेड जीतेगा। बैकफुट पर जाकर बॉल को खेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के पास, और जो कि शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद नहीं थे, बॉलर खुद गए गेंद को उठाने के लिए और गेंद को उठाने में कामयाब हुए हैं दोस्तों। इस तरह एक सिंगल के साथ स्कोर पहुँच चुका है यहाँ पर 59 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। सामना करने के लिए तैयार हैं आखिरी गेंद पर जेक वीदरलैंड, 59 हो चुका है दोस्तों स्कोर 7.5 ओवर के पास, जो रिक्वायर जो मौजूदा रन रेट है दोस्तों 8 रन पर ओवर भी नहीं है, 7.5 रन पर ओवर के हिसाब से जा रहे हैं। अली ब्रो कह रहे हैं हाय जी, आपको भी मेरे भाई हाय। सामना करने के लिए तैयार हैं आखिरी बॉल पर जेक वीदरलैंड, कोहने मन का बैकफुट पर गए, बॉल को खेला है डीप मिड विकेट की जाने फील्डर मौजूद हैं, तेजी से गेंद के नीचे आए हैं, 1 रन हासिल किया दोस्तों 8 ओवर्स के बाद। स्कोर पहुंच चुका है यहां पर 60 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी स्पीड से जाते हैं तो 150 होगा, अगर 10 रन पर ओवर के हिसाब से दोस्तों जाते हैं तो 180 रन करने में कामयाब होंगे। और अगर मैं यहाँ बता दूँ कि 180 करने में कामयाब हो जाएंगे तो जो कि है मुकम्मल तौर पर एक मैच विनिंग टोटल करने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो के है जैसा कि हम जानते हैं ब्रिस्बेन हीट क्रिकेट टीम को टॉप फोर में एंटर होने के लिए अगले सारे मैचेस जीतने हैं, तो उनको आज हर सूरत ये मैच जीतना होगा।
टॉप फोर में ताकि वो एंटर हो जाए, और एडिलेड स्ट्राइकर्स जो कि है सबसे बॉटम पर मौजूद है, सेकंड लास्ट पोजीशन पर मौजूद है। मुजीबुर रहमान जारी रखेंगे पहले ओवर में, 9 विकेट लेने वाले, इनको खेल दिया है बैकफुट पर जाकर, कवर की जानब फील्डर मौजूद है, 1 ही रन बनेगा दोस्तों यहाँ पर। दूसरा रन लेने के लिए तेज़ी से भागे और दूसरा रन लेने में कामयाब हो चुके हैं यहाँ पर। यही है खासियत दोस्तों ब्रिस्बेन के ग्राउंड की, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी जो कि है बड़ी आउटफील्ड है, काफ़ी पीछे आउटफील्ड है दोस्तों। मेहरबानी करके सब भाई जो के है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ तो गला मेरा तकरीबन सूख चुका है, तो आप काइंडली मेरी जो कि एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए जस्ट वीडियो को एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज जो कि है बिग बैश लीग का मैच लाया हूँ, डेली जो कि बिग बैश लीग का मैच लाया करूँगा, और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड की भी सीरीज़ जो कि है मैं कवर करूँगा। अनम नूर साहब पूछ रही हैं कि फ़खर जमान है, नहीं फ़खर जमान नहीं खेल रहा आज, और स्वीप करना चाहते थे, टॉप एज लगा गेंद इनके अपने हेलमेट को लगकर नीचे गिर गई है, और इस तरह से दोस्तों डॉट बॉल आई है यहाँ पर, तो सामना करने के लिए तैयार है मुजीबुर रहमान, और इस बॉल को बैकफुट पर जाकर कवर की जानिब खेल दिया, एक रन बनेगा यहाँ पर। नहीं मेरे भाई रितेश साहब, मैं टीम नहीं देता, बैकफुट पर जाकर 1 रन हासिल किया दोस्तों। इस तरह से 8.3 ओवर्स के बाद 63 रन हो चुके हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। जेक वीदरलैंड ने दोस्तों 15 गेंदों पर 17 रन बना लिए, हेनरी हंट ने 17 गेंदों पर 17 रन बना लिए, मुजीबुर रहमान ने दोस्तों अभी तक कोई भी विकेट हासिल नहीं की। विकेट की मुजीबुर रहमान को दोस्तों तलाश है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या मुजीबुर रहमान को विकेट मिलेगी या नहीं, सामना करेंगे दोस्तों। हेनरी हंट एक दफा फिर से स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद बीट हुई है और विकेट कीपर को भी बीट कर गई है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार, तो वाइड का चौका मिलेगा यहां पर दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स को। खराब गेंदबाजी मुजीबुर रहमान की दोस्तों, आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा इनका। डाउन द लेग साइड बॉल जा रही थी, इस बॉल को वैसे पहले से ही स्वीप करने का प्लान कर चुके थे, लेकिन गेंद जो कि विकेट कीपर से भी बीट हुई और गेंद जो कि बाउंड्री लाइन के पार जाएगी, और ये काफ़ी तेज़ बॉल डाला था 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसी वजह से जो कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई, तो 4 रन के लिए दोस्तों 8.3 ओवर्स के बाद 68 रन हो चुके हैं। जी हाँ रितेश साहब जी, ले तो रहा हूँ मैं आपका नाम, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। तो वाइड के साथ एक चौका आया दोस्तों, बैकफुट पर जाकर इस बॉल को पंच किया है सीधा यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की जानी भी, 1 रन मिलेगा यहाँ पर। क्या इज मुजीब फ्रॉम अफगानिस्तान, यस एक अफगानिस्तान से राशिद खान है और एक अफगानिस्तान से मुजीबुर रहमान है। आज के मैच की श्योर रिपोर्ट, एक भाई कह रहे हैं कि एडिलेड जीतेगा, जी हाँ बिल्कुल, कभी विकेट लेगा मुजीब, देखते हैं विकेट लेने में कामयाब होते हैं नहीं, लेकिन आज तो काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, 18 रन दे चुके हैं 1.4 ओवर्स में, तो सामना करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर मुजीबुर रहमान का। जेक वीदरलैंड फुल लेंथ बॉल थी और इस बॉल को खेल दिया शॉर्ट फाइन लग के फील्डर के हाथों में, एक रन लेना चाहते थे हंट, लेकिन जो के है रन लेने नहीं दिया, वापस भेज दिया, तो इस तरह से दोस्तों डॉट बॉल आई है यहाँ पर। मुजीबुर रहमान का सामना करेंगे दोस्तों जेक वीदरलैंड पर, 16 गेंदों पे दोस्तों 17 रन हो चुके हैं, और मैं आपको यहाँ पर आखिरी 5 ओवर की भी रिपोर्ट देता हूँ यहाँ पर। ये स्वीप करना चाहते हैं, गेंद हवा में सीधा जो कि है शॉर्ट फाइन लग के फील्डर के पास जाएगी, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया रितेश साहब, आप मेरे फ़ैन हैं तो। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, आखिरी 5 ओवर्स में 37 रन बन चुके हैं यहाँ पर, आखिरी 5 ओवर्स में दोस्तों 37 रन बन चुके हैं, और सिर्फ एक विकेट गिरी है, तो ये जो कि है परफॉर्मेंस है यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट के आखिरी 5 ओवर्स में, विकेट एक लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन 5 ओवर्स में 37 रन दिए। इस तरह से दोस्तों 8 ओवर्स में 9 ओवर्स का खेल हो चुका है, 70 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, मुजीबुर रहमान का ओवर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहां पर, मुजीबुर रहमान का दोस्तों ओवर कंप्लीट हो चुका है यहां पर। मैं आपको बताता चलूं कि मुजीबुर रहमान का जो ओवर है वो मुकम्मल हो चुका है, 2 ओवर्स इन्होंने अपने स्पेल के करवा दिए हैं यहाँ पर, अब इनको जो कि है रेस्ट दिया जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, और उसके बाद जो कि है आखिर में बॉलिंग देंगे या डेथ ओवर्स में देंगे, या मेरा तो यही मशवरा है कि ये जो कि है अभी इनके ओवर मुकम्मल करवा दें, क्योंकि आखिरी के 4 ओवर्स में या 5 ओवर्स में स्पिनर्स को ओवर देना नहीं बनता, अक्सर औकात हमने देखा है कि आखिरी के 4-5 ओवर्स अगर स्पिनर्स को दें तो वो काफ़ी महंगे साबित होते हैं। तो एक भाई कह रहे हैं हंट 40 प्लस मारेगा, देखते हैं मेरे भाई 40 प्लस मारता है या नहीं, लेकिन अभी तक जो कि है हंट जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, लग ऐसे नहीं रहा कि वो एक लंबी बैटिंग करेंगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट शॉट नहीं खेल सके कोई, बस हाँ ये है कि सिंगल डबल किए जा रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर हंट किस तरह की इनिंग्स खेलते हैं। इनकी निस्बत जेक वीदरलैंड का मैं कह सकता हूँ कि हाँ जेक वीदरलैंड अच्छी बैटिंग कर सकते हैं या खेल सकते हैं यहाँ पर।
फुलर लेंथ बॉल थी, इस बॉल को लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में खेल दिया, एक रन मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, एडिलेड की बॉलिंग भी स्ट्रांग है लेकिन मेरे भाई ब्रिस्बेन हीट की भी बॉलिंग स्ट्रांग है। जेवियर बार्टलेट और मुजीबुर रहमान को शायद आप हल्का ले रहे हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने अब तक इनिंग्स में 17 डॉट बॉल्स खेली हैं दोस्तों, 23 सिंगल्स हासिल किए हैं, 6 डबल हासिल किए हैं, 3 ट्रिपल लिए हैं और 4 चौके लगाए हैं यहाँ पर। अभी तक इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं लगाई एडिलेड स्ट्राइकर्स ने लेकिन इनका स्कोर बिल्कुल ठीक ठाक है यहाँ पर। जो मौजूदा एवरेज है दोस्तों 7.5 की एवरेज के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर। फुलर लेंथ बॉल था, इस बॉल को खेल दिया, कवर की जानिब फील्डर मौजूद हैं, तेजी से दौड़ते हुए आए, एक रन मिलेगा। यहाँ पर ब्रिस्बेन की यही खासियत है दोस्तों, यहाँ पर जो कि है बाउंड्रीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, सिंगल डबल्स इतने मिलते हैं कि यहाँ पर जो कि स्कोर तकरीबन पूरा पूरा हो जाता है। प्रोजेक्टेड स्कोर मौजूद है एवरेज के हिसाब से दोस्तों अगर जाते हैं तो 154 रन करने में कामयाब होंगे। जी हाँ बिल्कुल, ब्रिस्बेन की बैटिंग बहुत पुअर है और आज जो कि है मिडिल ऑर्डर भी बहुत कमज़ोर है यहाँ पर। फ़खर जमान को खिलाने का इरादा था लेकिन नहीं खिलाया गया फ़खर जमान को एस ओ पीज़ के रूल्स के तहत। 180 रन करेंगे अगर यहां से 10 रन पर ओवर के हिसाब से जाते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। सामना करने के लिए तैयार हैं जेक वीदरलैंड, शॉर्ट पिच बॉल, इस बॉल को लेग साइड पर उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन डाउन द लेग साइड बॉल जाती हुई, अंपायर का इशारा दोस्तों, देखना होगा क्या अंपायर ने यहां पर वाइड दी है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अंपायर का इशारा वाजे है, अंपायर ने यहाँ पर वाइड करार दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों स्कोर हो चुका है 73 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। गठरी ने 1.2 ओवर में दोस्तों 11 रन बना लिए। दोस्तों 10 ओवर पूरे होने से पहले पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को क्योंकि मैं चाहता हूँ 10 ओवर से पहले पहले 50 लाइक हों। हर 10 ओवर में मैं 50 लाइक चाहता हूँ दोस्तों। हर बॉल बाय बॉल मैं आपको मुकम्मल तौर पर कमेंट्री की जो डिटेल प्रोवाइड करता हूँ उसके बदले में काइंडली आप बस एक काम कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। डाउन द लेग साइड बॉल जाती हुई, इस बॉल को फ्लिक किया है, डीप स्क्वायर लेग की जानी फील्डर मौजूद है, एक रन हासिल किया है दोस्तों। इस तरह से 9.3 ओवर के बाद 74 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। दोस्तों लाइक करने से आपकी कोई मेहनत नहीं लगेगी लेकिन दोस्तों मेरी एफर्ट्स में थोड़ी सी मुझे मेरी हौसला अफजाई होगी तो यही होगा कि मैं जो कि और लगन के साथ कमेंट्री करूँगा और आपको जो कि और लगन से इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 गेंदों का खेल बाकी है, इसके बाद जो कि आई एक्सपेक्ट 16। अच्छा देखते हैं इस ओवर में एक छक्का आता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि छक्के के लिए ट्राई करेंगे क्योंकि सिंगल डबल से ही उनको अच्छे स्कोर मिल रहे हैं। ये पार्टनरशिप अच्छी जाती हुई, ये पार्टनरशिप अभी तक की, हाँ अगर ये जाएंगे तो शायद अगले ओवर से हिटिंग के लिए जाएं या पावर सर्ज ले लें, कुछ भी कह सकते हैं। कवर ड्राइव खेलना चाहते थे लेकिन जो कि बीट हुए हैं, गेंद बल्ले के किनारे के पास से विकेट कीपर के पास जाएगी। दोस्तों 2 गेंदें बाकी रह गई हैं, 10 ओवर्स पूरे होने में सिर्फ 3 लाइक्स रह गए हैं। मेहरबानी करें जिसने जो कि है लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरे 50 लाइक से ऊपर पहुँच जाए। मेरे भाइयों, एक भाई कह रहे हैं कि आप लाइव मैच कहाँ देखते हो। मेरे भाई मैं 2-3 जगह देखता हूँ लाइव। एक तो लाइव है फॉक्स स्पोर्ट्स 1 जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक चैनल है फॉक्स स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे भी लाइव बिग बैश लीग का मैच आ रहा है। सोनी लिव ऐप आप मोबाइल में कर लें, सोनी लिव ऐप पे भी लाइव मैच आता है तो सोनी लिव ऐप पे भी देखता हूँ। सो फिलहाल तो जो कि मैं सोनी लिव ऐप में देख रहा हूँ। सामना कर रहे हैं, थोड़ी सी छोटी बॉल मिली थी, इस बॉल को फाइन लगे फील्डर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बॉल बीट हुई है। यहाँ पर अंपायर ने इशारा दिया है वाइड का। तो इस तरह से दोस्तों 8.4 ओवर्स के बाद स्कोर पहुँच चुका है यहाँ पर 75 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। तो दोस्तों इस ओवर में 2 वाइडें डाल चुके हैं यहाँ तक अब तक। दोस्तों सिर्फ 1 लाइक रह गया जिस भाई ने, जिस मेरे दोस्त ने लाइव लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिए ताकि 10 ओवर से पहले पहले जो के है। योर वॉइस फॉर कमेंट्री इज फैबुलस, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ड्रीम 11। मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आउट होना चाहिए, देखते हैं आउट होना चाहिए या नहीं। अगर तो, और यहाँ पर कट किया है बहुत खूबसूरत तरीके से, जितना खूबसूरत कट था लेकिन बैड लक यही थी कि गैप नहीं ढूंढ सके, सीधा कट जो के गया पॉइंट के फील्डर के हाथों में, डॉट बॉल आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हैरी हंट जो कि 21 गेंदों पर 19 रन बनाकर अब थोड़े से प्रेशर में लग रहे हैं इस ओवर में। एक डॉट, 2 डॉट बॉल्स हो चुकी हैं यहाँ पर, शॉट्स लगाने की भी कोशिश की हैं और कामयाब अभी तक नहीं हुए यहाँ पर। जी हाँ चांसेस तो एडिलेड के हैं क्योंकि बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन अगर आज क्रिस लिन का बल्ला चला तो फिर जो कि है ब्रिस्बेन हीट जीत सकती है यहाँ पर। तो सामना करने के लिए तैयार हैं हेनरी हंट आखिरी बॉल पर, और फुलर लेंथ बॉल था, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, क्या ये चौका आएगा। जी हाँ बिल्कुल, 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आखिरकार जिस चौके का इंतजार था, हेनरी हंट के बाउंड्री का इंतजार था, वो पूरा हुआ यहाँ पर। ओवर की दोस्तों आखिरी गेंद पर चौका लगाया तो इस तरह से दोस्तों 79 रन हो चुके हैं 10 ओवर्स में, एक खिलाड़ी के नुकसान हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों पहला चौका लगाया हेनरी हंट का। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक आ चुकी है लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, पानी का वक्फा है, मैं आपको ये बताता चलूं कि यहां पर जो के बैश बूस्ट का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट ब्रिस्बेन हीट को 10 ओवर्स में 80 रन, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट दोस्तों 4th नंबर पर मौजूद है और इसको पांचवें नंबर पर मौजूद है और टॉप 4 में एंटर होने के लिए ब्रिस्बेन हीट को अपने आखिरी सारे के सारे मैचेस जीतने होंगे जबकि चौथी पोजीशन पर जो होबार्ट की टीम है उसको अपने मैचेस हारने होंगे। अगर तो इस तरह से सिचुएशन बनती है तो ब्रिस्बेन हीट अंदर आ जाएगा।
इट्स फीलिंग लाइक वी आर लिसनिंग इन रेडियो जस्ट इन BSNL। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपकी इस मोहब्बत का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 80 रन्स का जो के है वो टारगेट है, 80 रन्स का ये टारगेट जो के है, इस टारगेट को देखने में थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल होगी ब्रिस्बेन हीट को ये टारगेट चेस करने में। तो देखते हैं मेरे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सामना करेंगे दोस्तों यहाँ पर अभी तो जो कि है पानी का वक्फा है, वैसे अगले ओवर में सामना करेंगे जेक वीदरलैंड। मैं बताता चलूँ इस पार्टनरशिप में अच्छी पार्टनरशिप साबित होती हुई है, 47 रन इस पार्टनरशिप में बने दोस्तों 37 गेंदों में, और जेक वीदरलैंड ने एक चौका लगाया है, एक चौका हेनरी हंट ने लगाया है। इस तरह से दोस्तों इस पार्टनरशिप में दो चौके लगे हैं, ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ कि 5 चौके लग चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों तकलीफ दह मूवमेंट जो सबसे हार्ड टचिंग मूवमेंट्स होते हैं इस मैच के, अगर हम उन पर नज़र दौड़ाएं तो पहले दूसरे ओवर में एक बॉल लगी थी पैड पर मैट शॉट की, और वो उस पैड पर बॉल लगने के बाद काफ़ी तकलीफ़ में नज़र आए, थोड़ा डगमगा भी रहे थे, और ठीक उससे अगले ही ओवर में जब वो सिंगल रन ले रहे थे तो गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में गई, शॉट लॉन्ग ऑफ के फील्डर डायरेक्ट हिट लगाना चाहते थे लेकिन उनका निशाना खता हुआ, गेंद जो कि सीधा मैट शॉट के कोहनी पर जाकर लगी, और उनकी कोहनी पर गेंद लगने के बाद मुकम्मल तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आए। तो ये था आज के मैच का दोस्तों हार्ट टचिंग मूवमेंट। तो दोस्तों मेरे भाइयों जिस जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाइयों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी इस बिग बैश लीग के बाद कल जो के है मैच खेला जाएगा बिग बैश लीग का, वो भी हम कवर करेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो के है वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड की सीरीज़ चल रही है उसकी भी हम कवरेज करेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो शुरू होगी उसकी भी हम कवरेज करेंगे, PSL सारी डोमेस्टिक लीग्स और इंटरनेशनल मैचेस जो जो इंटरनेशनल मैचेस हम कर सके उस सब के सब हम कवर करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों यहाँ पर हमारे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और नोटिफिकेशन के जरिए आप जो कि हमारी लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन सकें। होबा हेडसेट पर दोस्तों एडिलेड के कोच हैं दोस्तों जैसन गिलेप्सी, वो इंटरव्यू दे रहे हैं हेडसेट पर। फुलर लेंथ बॉल था दोस्तों, इस बॉल को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की जानिब, लॉन्ग ऑफ पे खेलने में कामयाब हुए हैं लेकिन दोस्तों लॉन्ग ऑफ पे जो फील्डर हैं दायरे के अंदर मौजूद थे, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कोई रन नहीं बनेगा, डॉट बॉल आएगी। प्रेस्टविच का पहला ओवर दोस्तों कामयाब रहा था, पहले ओवर में खासे महंगे भी साबित हुए थे दोस्तों, लेकिन आखिर सेकेंड लास्ट बॉल पर बहुत ही शानदार इन स्विंगर बॉल डाला जो कि इन साइड एज हुआ था, और इन साइड एज लगने के बाद गेंद जो कि सीधा विकेट कीपर के पास गया था दोस्तों, इस तरह से विकेट हासिल की थी पहले ओवर में प्रेस्टविच ने, और आउट होने वाले बल्लेबाज थे दोस्तों शॉट, और इस बॉल को पुल किया है लेकिन ग्राउंड शॉट बनाकर खेला है डीप मिड विकेट की जाने, फील्डर जो के है लेग साइड से तेज़ी से दौड़ते हुए आए हैं यहाँ पर और दो रन हासिल किए हैं। तो ब्रिस्बेन के इस ग्राउंड में बहुत मुश्किल है यहाँ पर चौके लगाना क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके अलावा आउटफील्ड भी ज़रा स्लो होती है यहाँ पर, तो इसी वजह से सिंगल डबल ज़रा ज़्यादा मिलते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के दोस्तों हो चुके हैं 81 रन, 8 का रन रेट है। लेकिन मैं आपको इंतहाई हैरानकुन बात ये बताना चाहता हूँ कि 8 के रन रेट के हिसाब से स्कोर बनेगा 160 लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 चौके लगे हैं यहाँ पर, मतलब 20 स्कोर सिर्फ बाउंड्री का बना है, उसके अलावा बाकी सारे सिंगल डबल बनाए हैं यहाँ पर स्ट्राइकर्स की टीम ने। थोड़ी सी छोटी बॉल मिली है, इस बॉल को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की जानी भी, एक दफा फिर से लेग साइड से फील्डर दौड़ते हुए आए, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग की वजह से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर तो जिस जिस भाई को मेरी कमेंट्री पसंद आई, जिस जिस भाई को वीडियो पसंद आई है काइंडली वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। 10.3 ओवर्स में दोस्तों हो चुके हैं 82 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। सामना करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर हेनरी हंट, 22 गेंदों पर 23 रन बनाने वाले, चौथी गेंद पर सामना करेंगे दोस्तों। और थोड़ी सी छोटी बॉल थी, पुल किया है गेंद हवा में है, फाइन लग के फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन चूंकि बाउंड्री बहुत बड़ी है यहाँ पर तो गेंद पहले ही ज़मीन पर गिर चुकी है, इसी वजह से दोस्तों आउट नहीं होंगे यहाँ पर। 80 मीटर की जो है बाउंड्री वो है डीप फाइन लेग में दोस्तों, डीप फाइन लेग में मुजीबुर रहमान थे, गेंद के पीछे तेज़ी से दौड़ते हुए आए लेकिन जो कि गेंद के नीचे पहुंचने में कामयाब नहीं हुए, गेंद के करीब करीब पहुंच चुके थे। तो इस तरह से दोस्तों 10.4 ओवर्स में हो चुके हैं स्कोर 83 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का स्कोर दोस्तों यहाँ पर। तो सामना करेंगे दोस्तों जेक वीदरलैंड उस सिंगल के साथ, हेनरी हंट ने दोस्तों 24 रन बना लिए 23 गेंदों पर, वीदरलैंड ने 22 गेंदों पर 23 रन बना लिए। थोड़ी सी छोटी बॉल मिली थी, पुल करना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज लगा और तेज़ी से एक रन हासिल किया यहाँ पर, और ओवर थ्रो का रन लेना चाहते थे लेकिन बैकअप पे फील्डर मौजूद थे, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर
जेक आउट होगा, चलें देखते हैं जेक वीदरलैंड आउट होगा। एक बार फिर अब कह रहे हैं कि आप अब विकेट आएगी, चलें देखते हैं विकेट आती है नहीं। आखिरी गेंद बाकी है दोस्तों, करंट पार्टनरशिप हो चुकी है 52 रन्स की 46 गेंदों पर। दोस्तों वीदरलैंड ने इस बार पार्टनरशिप में 24 रन्स बनाए हैं जबकि हेनरी हंट ने 20 रन्स बनाए हैं। दोनों की इस शानदार जो कि है पार्टनरशिप की बदौलत एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम अब अच्छी पोजीशन पर है, 84 रन्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये पावर सर्ज के ओवर्स कब लेंगे। दोनों बल्लेबाज सेट हैं यहाँ पर, चूंकि बाउंड्रीज नहीं मिल रही तो इनको चाहिए यहाँ पर पावर सर्ज लें, अपने हाथ खोलें और मोमेंटम में आए ताकि जो कि बाउंड्रीज का जो सिलसिला है वो रुका हुआ है वो जारी हो। प्रेस्टविज ने अब तक 6 रन दिए, 5 रन दिए सामना करने के लिए तैयार है। थोड़ी सी छोटी बॉल थी, इस बॉल को फ्लिक करना चाहते थे लेकिन जो के है कामयाब नहीं हुए। गेंद उनके पेट को लगने के बाद सीधा शॉर्ट थर्ड मैन के पास जाएगी, एक रन मिलेगा। इनसाइड एज भी लगा है यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों 11 ओवर्स का खेल अपने इख्तिताम को पहुँचा है, 85 रन हो चुके हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का स्कोर। और यहाँ पर मौजूदा एवरेज के हिसाब से अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम को देखें तो 155 रन करने में कामयाब होगी। अगर यहाँ से 10 रन पर ओवर के हिसाब से जाती है दोस्तों तो 175 रन करने में कामयाब होगी। अगर 12 रन पर ओवर के हिसाब से जाती है दोस्तों तो 193 रन करने में कामयाब हो जाएगी। तो जिस भाई ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी देर से कमेंट्री कर रहा हूँ, गला ज़रा मेरा सूख चुका है मेरे भाई, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ मेरी ये है कि मेरी हौसला अफजाई होगी यहाँ पर। और यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार हैं कोहने मन का। कोहने मन दोस्तों आज विकेट लेस गए हैं, अभी तक कोई विकेट नहीं मिली इनको। 2 ओवर्स में इन्होंने 13 रन दिए हैं। 12वां ओवर करेंगे ये इनिंग्स का, सामना करने के लिए तैयार हैं हेनरी हंट जिन्होंने 24 गेंदों पर 25 रन बना लिए हैं। दोस्तों शायद स्पिनर का ओवर ख़त्म कर लें, इसके बाद पावर सर्ज लेना हो। इन्होंने फुल लेंथ बॉल था, इस बॉल को पंच करना चाहते थे गैप में लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब नहीं हुए। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे, एक ही डॉट बॉल मिलेगी दोस्तों। इस तरह से दोस्तों कोई रन नहीं बनेगा यहाँ पर। 152 है दोस्तों प्रोजेक्टेड स्कोर, याद रहे मौजूदा एवरेज के हिसाब से 152 जबकि इस पिच पर 165 एवरेज है बैटिंग फर्स्ट की। थोड़ी सी छोटी बॉल मिली है, इस बॉल को कट खेलना चाहते थे लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बोल्ड हो गए हैं यहाँ पर। बहुत लूज बॉल मिली थी ये और इस बॉल को कट खेलना चाहते थे लेकिन बोल्ड हुए हैं और खुद को भी हेनरी हंट को यकीन नहीं आ रहा था। मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से हेनरी हंट खेल रहे हैं नहीं लगता ऐसा कि 40 प्लस करेंगे और वही हुआ, आउट होकर वापस जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटी बॉल मिली थी दोस्तों, चाहते तो इस बॉल को पुल करके लेग साइड पर छक्का लगा सकते थे, डीप फाइन लेग की जानब उठा कर खेल सकते थे लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं किया कवर की जानब खेलना। पहले से इन्होंने कवर पर माइंड बनाया था खेलने का, तो बोल्ड होकर आउट होकर जा चुके हैं। 26 गेंदों पर 25 रन बना वाले दोस्तों, 85 रन हो चुके हैं दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हेनरी हंट जिन्होंने अपनी इनिंग में एक चौका लगाया है दोस्तों। यहां पर कोहने मन ने दोस्तों पहली विकेट हासिल की है, तो जिन भाई ने कहा था कि कोहने मन आज विकेट नहीं लेगा वो देख लें कि कोहने मन ने विकेट हासिल कर लिया दोस्तों। तो जिस भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली भाई दोस्त वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लाया हूँ आपके लिए बिग बैश लीग, बिग बैश लीग के बाद मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके पास बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ का टूर चल रहा है आयरलैंड के साथ, वो भी लेके आऊँगा मैं दोस्तों। जॉन वेल्स आए हैं नए आने वाले बल्लेबाज और पावर हिटिंग बहुत ही कम करते हैं, रिलायबिलिटी जो कि अच्छी है इनकी, उसके अलावा रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी काफ़ी अच्छी करते हैं। स्पिनर के अगेंस्ट ये ज़रा वीक हैं जॉन वेल्स। ये थी इनकी दोस्तों डिटेल बैटिंग टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से रिप्ले देखते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा छोटी बॉल थी और इस छोटी बॉल को खेलना चाहते थे कवर के फील्डर के सर के ऊपर से लेकिन जो कि स्लोनेस की वजह से बीट हुए हैं और गेंद जो कि सीधा स्टंप्स पर जाकर लगी। इस तरह से दोस्तों ये बीट हुए हैं और बोल्ड हो चुके हैं यहाँ पर। 11.2 ओवर्स के बाद दोस्तों स्कोर पहुंच चुका है 85 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर और एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने यहाँ पर दोस्तों जॉन वेल्स को भेजने का फैसला किया था और ग्राउंड में आ चुके हैं। यहाँ पर फील्ड को चेंज किया जा रहा है दोस्तों, जो लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे उनको दायरे के अंदर बुला लिया जा रहा है और जो लॉन्ग ऑन के फील्डर हैं दायरे के बाहर मौजूद हैं। डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद हैं, लेग साइड पर फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं, उसके अलावा डीप स्क्वायर लेग से थोड़ा फाइन लेग की तरफ फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं स्वीप पोजीशन पर। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर दायरे के अंदर मौजूद हैं, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट के फील्डर ये तीनों दायरे के अंदर मौजूद हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर भी जो कि दोस्तों दायरे के अंदर मौजूद हैं। तो ये चार फील्ड प्लेसमेंट हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बाउंड्री लाइन के अंदर मौजूद हैं, उसके अलावा अब देखते हैं यहाँ पर किस जगह पर बाउंड्री। और यहाँ पर फील्ड एक दफ़ा फिर से चेंज की जा रही है, डीप फाइन लेग पे जो फील्डर थे दोस्तों उनको अंदर बुलाया जा रहा है, सॉरी डीप मिड विकेट के जो फील्डर थे उनको अंदर बुलाया गया है, तो शॉर्ट मिड विकेट बना दिया है क्योंकि जॉन वेल्स खेल रहे थे। इस बॉल को पंच किया इन्होंने, लॉन्ग ऑन की जाने फील्डर मौजूद हैं, एक रन मिलेगा यहाँ पर। तो पहली ही गेंद पर अपना अकाउंट ओपन किया दोस्तों जॉन वेल्स ने।
तो दोस्तों काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि 78 लोग देख रहे हैं वीडियो के, लाइक्स सिर्फ और सिर्फ 57 हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक्स ज़रा बढ़ जाएँ और जितने व्यूज़ करंट व्यूज़ हैं, जितने लोग देख रहे हैं उनसे ज़्यादा लाइक्स की तादाद हो जाए। जेक वीदरलैंड दोस्तों सामना करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर कोहनेमन का। थोड़ी सी छोटी बॉल मिली, इस बॉल को एक दफ़ा फिर से कट करने में कामयाब हुए हैं। इस बॉल को खेला है डीप बैकवर्ड पॉइंट की जाने, फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे। एक रन मिलेगा 11.4 ओवर्स के बाद। दोस्तों स्कोर पहुंच चुका है यहां पर 87 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। दोस्तों 100 लाइक्स करने हैं हमने पहली इनिंग्स को ख़त्म होने से पहले पहले। काइंडली ये टारगेट ज़रूर पूरा करवाइएगा आप। 160 का हम समझते हैं टारगेट देगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम, तो देखते हैं 160 का टारगेट देने में कामयाब होगी या नहीं। थोड़ी सी छोटी बॉल मिली है इस बॉल को, ये बॉल गया है सीधा पैड पर लगी है। इस बॉल को फ्लिक करना चाहते थे लॉन्ग ऑन की जानी, लेकिन गेंद सीधा पैड पर लगी, इस तरह से डॉट बॉल आई। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊँ, इस ओवर में वेरिएशन में चेंज किया है कोहनेमन ने। इससे पहले जो कि तेज़ बॉलिंग कर रहे थे 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पहले दो ओवर किए तो कोई विकेट नहीं मिली। इस ओवर में ज़रा स्लो बॉल्स डाली हैं इन्होंने, इतनी ज़्यादा तेज़ बॉल नहीं डाली, स्लोनेस करके बॉल की हैं। बैकफुट पर जाकर बॉल को खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानी, एक रन मिलेगा 12 ओवर्स के बाद। 88 रन हो चुके हैं दोस्तों दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो मैं ये कह रहा था कि स्लोनेस सरफेस की वजह से यहाँ पर जो कि है पेस को कम किया, फ्लैट बॉल्स डाली हैं ज़्यादातर इस ओवर में, इसी वजह से कम स्कोर पड़े हैं यहाँ पर। इस ओवर में दोस्तों इन्होंने 3 सिंगल्स दिए हैं, स्कोर हो चुका है 12 ओवर्स के बाद 88 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। और यहाँ पर जो कि है ब्रैडली और ब्रैड हेड इन दोस्तों बेन डकेट का इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर। तो सामना करने के लिए दोस्तों तैयार हैं, मुजीबुर रहमान को ओवर देने का फैसला किया। और मेरा ख्याल में मुजीबुर रहमान को भी सीखना चाहिए कोहनेमन से, क्योंकि कोहनेमन ने जिस तरह से दोस्तों इस ओवर में अपनी जो के है पेस को कम रखा, पेस को कम करके जो के है बॉलिंग की है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो के है मुजीबुर रहमान को भी कोहनेमन की तरह पेस को कम रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। दो ओवर्स में इन्होंने 19 रन दे दिए हैं अब तक और कोई भी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। तो देखते हैं ये अपनी वेरिएशंस में क्या चेंज लेके आते हैं, ताकि जो कि है इनको कोई विकेट मिले या जो इनको रन्स पड़े हैं उनकी रन्स की भरमाई पूरी हो यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल वही काम किया इन्होंने, स्लो बॉल डाली है और इस बॉल को जो कि है रोक दिया है, तो इस तरह से दोस्तों डॉट बॉल मिलेगी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर स्कोर पहुँच चुका है 88 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का। और यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार हैं जॉन वेल्स, बैकफुट पर जाकर बॉल को घसीट कर खेला है यहाँ पर, लेग साइड पर फील्डर मौजूद थे दायरे के अंदर ही, और एक ही रन मिले, कोई रन नहीं मिलेगा सॉरी। और यहाँ पर दोस्तों सामना करने के लिए तैयार हैं एक दफा फिर से, और बहुत ही ज़बरदस्त बॉल ब्रेक हुआ, इस बॉल को कट खेला है जॉन वेल्स ने और एक रन हासिल किया है। तो दोस्तों इस तरह से और दूसरा रन लेना चाहते हैं, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट भी लगी है दोस्तों यहाँ पे। देखना ये होगा अंपायर का क्या रिएक्शन होता है यहाँ पर। अंपायर ने थर्ड अंपायर की जानिब रुजू कर लिया है और यहाँ पर देखते हैं हम कि थर्ड अंपायर चेक करते हैं यहाँ पर। कवर से फील्डर तेज़ी से दौड़ते हुए आए थे, बॉल को उठाया था, थ्रो किया था, डायरेक्ट हिट लगा था, लेकिन बल्ला थोड़ा सा अंदर दाखिल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से रन आउट नहीं हुए हैं यहाँ पर, अंपायर ने थर्ड अंपायर ने बड़ी स्क्रीन पर नॉट आउट करार दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से दो रन करार दिए हैं, स्कोर हो चुका है दोस्तों 90 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। सामना करने के लिए तैयार हैं मुजीबुर रहमान, और फुलर लेंथ बॉल था, स्वीप करना चाहते थे लेकिन बीट हुए और विकेट कीपर एक दफा फिर से मिस कर गए हैं, और शॉट फाइन लगे, फील्डर बॉल को पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं दोस्तों। तो वाइड बॉल पर एक सिंगल हासिल किया है यहाँ पर, तो दूसरी दफ़ा विकेट कीपर मुजीबुर रहमान की वाइड बॉल को स्किप कर रहे हैं और जो कि है एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक जो कि है अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों लाइक्स 63 हो चुके हैं, 100 लाइक्स पूरे करने हैं, काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाइए, वीडियो को ज़रूर लाइक करती जाइए, हमने 100 लाइक्स पूरे करने हैं। सामना करने के लिए तैयार हैं और बॉल जो कि ब्रेक हुआ है, बैकफुट पर जाकर शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला है, कोई रन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मुजीबुर रहमान को पेस को कम करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल इन्होंने वैसे किया है, स्लो स्लो बॉल डाल रहे हैं। पिछली बॉल इन्होंने 79 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, इस तरह से दोस्तों इनको कम स्कोर पड़ा है। एक और स्लो बॉल डाला है यहाँ पर, एक सिंगल मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों 93 रन हो चुके हैं दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। मुजीबुर रहमान को दोस्तों अब तक सिर्फ और सिर्फ एक चौका लगा है यहाँ पर, पहले ओवर में लगा था। और मुजीबुर रहमान का मैं बताता चलूं दोस्तों, इस ओवर में सबसे स्लो बॉल्स डाली हैं ज़्यादातर इन्होंने, और इससे पहले इनकी जो के एवरेज थी 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब जो के है इनका है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं यहाँ पर। और बॉल को जो के खेल दिया है कवर की जानिब, एक रन मिलेगा यहाँ पर, बैकफुट पर जाकर कवर की जानिब खेला। तो दोस्तों 13वें ओवर का अख्ताम हुआ मुजीबुर रहमान का, ये शानदार ओवर अपने अख्ताम को पहुँचा, 94 रन हो चुके हैं दोस्तों दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इन्होंने दो सिंगल और एक
एक डबल दिए, मतलब चार रन दिए हैं, उसके अलावा वाइड पर एक सिंगल मिला था। तो दोस्तों इस तरह से चार रन इन्होंने इस ओवर में दिए हैं मुजीबुर रहमान ने अपने ओवर में। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जिस मेरे भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, जिस दोस्त ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हमने 100 लाइक्स पूरे करने हैं पहली इनिंग्स के ख़त्म होने से पहले पहले, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लाया हूँ आपके लिए बिग बैश लीग के सारे मैचेस, बिग बैश लीग के सारे मैचेस लाया हूँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस लेके आऊँगा, PSL के मैचेस लेके आऊँगा, उसके अलावा इंटरनेशनल मैचेस जैसा कि वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है दोस्तों, मैं उसकी भी आपको अपडेट दिया करूँगा, वो मैच भी मैं कवर करूँगा, तो वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के मैचेस सॉरी। तो उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों मौजूदा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम का आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों 13 ओवर्स के बाद स्कोर पहुंच चुका है यहाँ पर 94 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। सामना करने के लिए दोस्तों तैयार हैं जॉन वेल्स का सामना करेंगे दोस्तों। गडकरी को लाया गया है जिन्होंने 17 रन दिए हैं और स्कूप करना चाहते हैं, लेकिन बीट हुए गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के हाथों में और डॉट बॉल मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से मेरे पास इस वक्त चैनल पर, मेरे चैनल पर 64% जो के हैं वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के फैंस मौजूद हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स के 64% फैन मौजूद हैं। और एडिलेड स्ट्राइकर्स इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है, जा रहा है बैटिंग अच्छा टारगेट देने के लिए, तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो के 30 ओवर कर रहे हैं गोठरी, महंगे साबित ज़रूर हुए हैं। आखिरी 19 गेंदों से दोस्तों कोई बाउंड्री नहीं मिली, मैं आपको बताता चलूँ, आखिरी 19 गेंदों से कोई बाउंड्री, स्लो बॉल डाली है, इस बॉल को पुल किया है मिड विकेट के फील्डर, बाउंड्री लाइन के अंदर बाहर बॉल जाती हुई लेग साइड से फील्डर गेंद को पकड़ने के लिए आए और एन मौके पर डाइव लगाकर गेंद को पकड़ा है। तब तक दोस्तों 3 रन पूरे हो जाएंगे। शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोकना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेग साइड पर फील्डर मौजूद थे, गेंद की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए आया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ रही थी लेकिन जो कि स्लो बढ़ रही थी जिसकी वजह से बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई। तो दोस्तों इस तरह से 4 रन रोके हैं, 1 रन बचाया है यहाँ पर, मतलब बाउंड्री में 1 रन बचाया तो 3 रन बने हैं दोस्तों। तो सामना करने के लिए गुठरी का तैयार है यहाँ पर 13.2 ओवर्स के बाद दोस्तों स्कोर हो चुका है 97 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आपको मैं बताता चलूं ब्रैड हेड इन ब्रैडली और ब्रेंटन स्पीड जो के है वो हैं आज के मैच के कमेंटेटर्स, आज के मैच में कमेंट्री कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हेडसेट पर मौजूद हैं डेविड हस्सी जो कि बैटिंग के गुर सिखा रहे हैं यहाँ पर। सामना करने के लिए तैयार हैं, फुलर लेंथ बॉल को उठाकर खेला है क्रॉस द स्टम्प्स, लेग साइड पर फील्डर मौजूद हैं, तेज़ी से 1 रन मुकम्मल किया, 98 रन हो चुके दोस्तों। ट्रिपल फिगर में दाखिल होने के लिए सिर्फ 2 रन बाकी हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स को। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जिस मेरे भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी देर मैं बोल रहा हूं, कमेंट्री कर रहा हूं, गला मेरा तकरीबन दोस्तों सूख चुका है लेकिन मैंने बोलना बंद नहीं किया, तो आपसे काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर 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 लाइक कीजिएगा दोस्तों। सामना करेंगे यहां पर जॉन वेल्स, गुड हरी का 21 रन हो चुके हैं गुड हरी के और फुल लेंथ बॉल था, यॉर्क लेंथ बॉल था, इस बॉल को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर दायरे के अंदर थे, गेंद के पीछे जा रहे हैं लेकिन जो क्या है तब तक लॉन्ग ऑन से फील्डर तेजी से गेंद के पीछे पहुंच चुके हैं दोस्तों। इस तरह से एक सिंगल मिला है, 13.4 ओवर्स के बाद दोस्तों स्कोर पहुँच चुका है 99 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि 29 मैचेस इस ग्राउंड में ब्रिस्बेन हीट हारी हुई है और 19 मैचेस जीती हुई है, एक मैच जो कि दोस्तों वो बराबर हुआ है इस ग्राउंड में, 49 मैचेस खेले हैं। एक बार फिर बता दूं ब्रिस्बेन हीट ने इस ग्राउंड में 49 मैचेस खेले हैं, 29 मैचेस मतलब 29 मैचेस हारी है, एक मैच टाई हुआ है जबकि 19 मैचेस ब्रिस्बेन हीट जीती है। तो पता चलता है कि ब्रिस्बेन हीट का इस ग्राउंड में ख़राब रिकॉर्ड है। यहाँ पर फ्लिक किया है लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद हैं, डॉट बॉल जाएगी। दोस्तों काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिस मेरे भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया। वैसे अभी 99 स्कोर हुआ है तो चलें जब 100 पूरा कर लेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम तब आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि एडिलेड स्ट्राइकर्स के बहुत सारे फैंस हैं मेरे चैनल पर और एडिलेड स्ट्राइकर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अभी 8 विकेटें बाकी हैं और बड़े मजे की बात यह है कि पावर सर्ज के भी ओवर्स बाकी हैं, मौजूदा एवरेज के हिसाब से 143 रन करेंगे, 10 रन पर ओवर के हिसाब से जाते तो 161 रन करेंगे, 12 रन पर ओवर के हिसाब से जाते 173 करेंगे, अगर 14 रन पर ओवर के हिसाब से जाते हैं तो 185 करेंगे। दोस्तों सामना करने के लिए तैयार हैं यहां पर और पुल किया है इस बॉल को मिड विकेट के फील्डर के पास से, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है लेकिन लेग साइड से फील्डर तेजी से गेंद के पीछे आए, 2 रन लिए हैं यहां पर। तो दोस्तों 14 ओवर के बाद 101 स्कोर दोस्तों मुबारक हो सब एडिलेड
एडिलेड स्ट्राइकर्स के फैंस को मुबारक हो। एडिलेड स्ट्राइकर का 100 स्कोर पूरा हो चुका है 14 ओवर्स में। तो दोस्तों इसी खुशी में वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दीजिएगा। 101 स्कोर हो चुका है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस ग्राउंड में इस पिच पर जो बैटिंग फर्स्ट की एवरेज है वो है 165। तो 165 की बैटिंग फर्स्ट की एवरेज है इस पिच पर, तो 160 का जो है वो फाइटिंग टोटल होगा। यहां से अगर 10 रन पर ओवर के हिसाब से एडिलेड स्ट्राइकर जाती है तो 160 करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बैटिंग सेकंड का जो एवरेज है वो है 151। तो बहरहाल मामला जो है बहुत क्लोज होने वाला है। लेकिन आज ब्रिस्बेन हीट के पास मिडल ऑर्डर बहुत ही स्लो है दोस्तों। यहां मिडल ऑर्डर जो कि है दोस्तों वो बहुत ही वीक है आज ब्रिस्बेन हीट के पास, सामना करने के लिए तैयार हैं। जॉन वेल्स इस दफ़ा दोस्तों प्रेस्टविज को लाया गया है, जिन्होंने अपने पहले ओवर में एक विकेट हासिल की थी। बताता चलूं मैं आपको, मैट शॉट की विकेट हासिल की थी, आउट होने वाले बल्लेबाज थे, वो शॉट लगाना चाहते थे लेकिन शानदार इन स्विंगर डाला और इन स्विंगर की बदौलत जो कि विकेट हासिल की थी। बल्ले के निचले किनारे की लग के गेंद विकेट कीपर के पास गया, डायरेक्ट हिट लग सकता दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगा तो बच गए हैं। यहाँ पर गेंद को फ्लिक किया था शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब, क्रिस लिन मौजूद थे, गेंद को पकड़ते ही उन्होंने थ्रो किया बॉलिंग एंड पर, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगा। और अगर डायरेक्ट हिट लगता तो ये आउट हो जाते। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये आउट हो जाते। मौका गवा दिया यहाँ पर क्रिस लिन ने, विकेट लेने का मौका गवा दिया यहाँ पर विकेट। एक भाई कह रहे हैं कि विकेट की तलाश है, तो मेरे भाई विकेट लेने का मौका क्रिस लिन ने गवा दिया है यहाँ पर। 14.1 ओवर्स के बाद दोस्तों स्कोर पहुंच चुका है 102 रन, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर फुल लेंथ बहुत ही उठाकर खेला है, डीप स्क्वायर लेग की जानी फील्डर मौजूद है, क्या ये मैच का पहला छक्का होगा? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो आखिरकार पहला छक्का आ ही गया है। और ये पहला छक्का दोस्तों आया है जेक वीदरलैंड के इस पहले छक्के की वजह से। दोस्तों काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमने दूसरी इनिंग्स को खत्म पहली इनिंग के ख़त्म होने से पहले लाइक्स की तादाद को 100 तक पहुँचाना है। और मैं आपको मेयरमेंट बताऊँ दोस्तों, 88 मीटर का ये शानदार छक्का लगाया है, 82 मीटर की ये है डीप स्क्वायर लेग की जानिब, इसको क्लियर किया है और 88 मीटर का दोस्तों शानदार छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं जेक वीदरलैंड। तो ये ओवर प्रेस्टविज का महंगा ओवर साबित होता हुआ छक्का लग चुका है दोस्तों इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर। सामना करने के लिए तैयार हैं, एक दफा फिर से उठाकर खेल दिया मिड विकेट की जानिब, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और कैच को पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं दोस्तों। दूसरी गेंद पर मुसलसल दूसरा छक्का लगाना चाह रहे थे जेक वीदरलैंड, लेकिन जो कि दोस्तों कामयाब नहीं हुए, इसी वजह से दोस्तों कैच आउट होने के बाद वापस जा चुके हैं। तो यहाँ पर 14.3 ओवर्स के बाद तीसरी विकेट गिरेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की। तो अगर हम रीप्ले देखें तो सही तरह से दोस्तों कनेक्ट नहीं कर सके, बल्ले से मिडल नहीं हुई गेंद, सीधा हवा में चली गई, इतनी पावर नहीं थी कि गेंद जो कि है 80 मीटर की बाउंड्री को क्लियर कर जाती और गेंद जो कि है सीधा फील्डर के हाथों में गई। कैच आउट होकर वापस जा चुके हैं दोस्तों 108 रन, तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर 31 गेंदों पर 35 रन बनाए जेक वीदरलैंड ने। कैच इनका पकड़ा दोस्तों लहमन ने, आउट किया प्रेस्टविच ने। 112 का इनका दोस्तों स्ट्राइक रेट है यहां पर। 108 रन हो चुके हैं दोस्तों तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर, 14.3 ओवर्स का खेल हो चुका है। और जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि राशिद खान को भेजा जा रहा है, देखते हैं राशिद खान आते हैं या कोई और बल्लेबाज आते हैं, तो देखते हैं हम यहां पर दोस्तों। तो अब तक दोस्तों मैं बताता चलूं आपको, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको ये बताता चलूं दोस्तों, इस पिच पर बैटिंग फर्स्ट की जो एवरेज है वो है 165, 165 की शानदार एवरेज है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, राशिद खान आए हैं यहाँ पर और राशिद खान की जो क्या दोस्तों स्पिनर के अगेंस्ट पावर हिटिंग बहुत ज़्यादा है। मैच विनर नहीं है ये, पेस के अगेंस्ट कम है खेलते हैं ये, पावर हिटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और स्पिनर के अगेंस्ट ये मैक्सिमम खेलते हैं। तो ये था इनका दोस्तों बैटिंग टेक्निक, पावर हिटिंग पे भरोसा करते हैं, स्पिनर के अगेंस्ट जो कि अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। मैच विनर तो नहीं है ये बैटिंग के अकॉर्डिंग। सामना करने के लिए तैयार हैं प्रेस्टविज का दोस्तों जॉन वेल्स, इस बॉल को कवर की जानिब खेला है लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैप ढूंढने में कामयाब नहीं रहे, सीधा गेंद जाएगी पॉइंट के फील्डर के हाथों में। तो दोस्तों डॉट बॉल आएगी यहां पर 14.4 ओवर्स के बाद, 108 रन दोस्तों हो चुके हैं तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर, प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो है दोस्तों 7.36 के रन रेट के हिसाब से बनेगा 147। अगर हम 10 रन पर ओवर के हिसाब से देखें तो 161, और अगर हम 12 रन पर ओवर के हिसाब से देखें दोस्तों 172, और अगर हम 14 रन पर ओवर के हिसाब से देखें
तो 183। तो दोस्तों मेहरबानी करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों कट करना चाहते थे लेकिन गेंद जो कैसी दा गई विकेट कीपर के हाथों में। मैं चाहता हूँ हर ओवर में 5-5 लाइक्स बढ़ते रहें दोस्तों। इस ओवर में 1 लाइक आ गया है, 5 गेंदें हो चुकी हैं, लेकिन अगर अभी तक मजीद लाइक्स नहीं आए मेरे भाइयों दोस्तों मेरा कमेंट्री कर करके गला सूख गया। अगर आप लाइक करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं मेरी हौसला अफजाई होगी दोस्तों। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी कमेंट्री अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। सामना करने के लिए तैयार हैं जॉन वेल्स, 13 गेंदों पर इन्होंने 10 रन बना लिए दोस्तों। तो एक गेंद का खेल बाकी है दोस्तों, अभी भी 2 लाइक्स रहते हैं, एक गेंद का खेल बाकी है, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सामना करने के लिए तैयार, शॉर्ट पिच बॉल है, इस बॉल को पुल कर दिया है डीप फाइन लेग की जाने, फील्डर तेजी से दौड़ते हुए आए और एक रन मिलेगा। तो दोस्तों 15 ओवर पूरे हो चुके हैं, स्कोर पहुंच चुका है यहाँ पर 109 रन, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं दोस्तों जॉन वेल्स के। 14 गेंदों पर 11 रन हो चुके हैं यहाँ पर, और मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ प्रोजेक्टेड स्कोर 145 है, जबकि 10 रन के हिसाब से 159 है, 12 रन के हिसाब से 169 है, जबकि 14 रन के हिसाब से 179 है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको 10 रन के हिसाब से जाना चाहिए ताकि 160 रन का एक फाइटिंग टोटल बने। मेरे भाइयों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इस ओवर में सिर्फ 3 लाइक्स आए हैं, 2 लाइक्स और कर बल्कि अब अगला ओवर शुरू हो जाएगा तो आपको 7 लाइक्स करने हैं इस ओवर में मेरे भाइयों। जिस भाई ने भी लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर जेवियर बार्टलेट का तो मुझे बड़ा इंतज़ार था और जेवियर बार्टलेट को लाया गया है। जेवियर बार्टलेट ने 2 ओवर्स में दोस्तों 14 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं पावर सर्ज मिल चुकी है यहाँ पर, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने ली है पावर सर्ज। तो जिस भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया पावर सर्ज के लिए ही काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमें यहाँ पर दोस्तों अब हिटिंग देखने को मिलेगी दोनों बल्लेबाजों की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइक किया, 5 लाइक्स पूरे हो गए पिछले ओवर के, तो इस ओवर के आपने मजीद लाइक्स करने हैं 16वें ओवर के मजीद 5 लाइक्स करने हैं दोस्तों आपने। पावर सर्ज का ये ओवर, जेवियर बार्टलेट पहली गेंद को स्कूप करना चाहते थे लेकिन बीट हुए हैं यहाँ पर, गेंद बिल्कुल स्टंप्स के पास से गई विकेट कीपर के पास, बहुत ही जहानत से ये बॉल डाली है बार्टलेट, जानते थे कि ये बॉल को स्कूप करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर बैक ऑफ द हैंड बॉल डाली और स्लो बॉल डाला, गेंद जो कि स्टम्प्स के बिल्कुल पास से गया विकेट कीपर के पास, बच गए हैं यहाँ पर, नहीं तो ये बोल्ड हो जाते थे यहाँ पर। जेवियर बार्टलेट दोस्तों दूसरी गेंद करेंगे, मैं बताता चलूँ प्रोजेक्टेड स्कोर मौजूदा एवरेज के हिसाब से 144 है और सामना करने के लिए तैयार हैं दोस्तों जॉन वेल्स। फुल लेंथ बॉल था, इस बॉल को खेलना चाहते थे मिड विकेट की जाने, फील्डर दायरे के अंदर ही मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। क्या सर इस पिच पे रन नहीं बनते हैं? मेरे भाई पिच पे रन ज़रूर बनते हैं लेकिन बाउंड्री बहुत बड़ी है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है यहाँ इस ग्राउंड पर चौके लगाना जितना आसान आप समझ रहे हैं। हाँ ये है कि इस ग्राउंड में सिंगल डबल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो बॉल चौके वाली होती है उस पर 3 रन्स बनते हैं, यहाँ पर 3 ट्रिपल्स बन चुके हैं अब तक और काफ़ी सारे डबल्स बने हैं इस अब तक। तो ये वैसे 160 की एवरेज है लेकिन जो कि है देखते हैं यहाँ पर कितने रन्स बनेंगे। और ज़ोरदार शॉट खेलना चाहते थे, टॉप एज लगाया राशिद खान की, पहली गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। तो दोस्तों पावर सर्ज का पहला बाउंड्री मिल चुका है यहाँ पर, छक्का मिला है इनफैक्ट, थोड़ी सी छोटी बॉल थी, इसको मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन जेवियर बार्टलेट की पेस की वजह से टॉप एज लगा, टॉप एज जो कि दोस्तों सीधा विकेट कीपर के सर के ऊपर से गया बाउंड्री लाइन के पार गई 6 रन के लिए दोस्तों। तो ये मैं आपको बताता चलूँ 67 मीटर का ये छक्का लगाया विकेट कीपर के पीछे से 67 मीटर का। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि है राशिद खान सामना कर रहे हैं, पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है दोस्तों, वाह क्या बात है, पहली गेंद पर छक्का, क्या ज़बरदस्त आगाज़ है राशिद खान की इनिंग्स का दोस्तों। इसी खुशी में काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। राशिद खान के धमाकेदार आगाज़ की सूरत में स्लो बॉल थी, इस बॉल को खेल दिया अंपायर के सर के ऊपर से, क्या छक्का होगा यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल 6 रन मिलेंगे क्योंकि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन दायरे के अंदर मौजूद थे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया दोस्तों राशिद खान ने, स्लो बॉल को उठाकर खेल दिया अंपायर के सर के ऊपर से, दोस्तों गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। तो यहाँ पर 6 रन मिले हैं, तो राशिद खान ने दोस्तों शानदार दूसरी गेंद पर छक्का लगाया है। और राशिद खान का मैं आपको दोस्तों स्ट्राइक रेट बताऊँ तो यहाँ पर राशिद खान का 600 का स्ट्राइक रेट है दोस्तों, वाह जी वाह क्या बात है, 600 का शानदार स्ट्राइक रेट है दोस्तों राशिद खान का। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं यहाँ पर, आखिरी 5 ओवर्स में दोस्तों 39 रन बने हैं, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं बैटिंग करते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की। और यहाँ पर एक और छोटी बॉल थी, इस दफ़ा बहुत ही तेज़ बॉल डाली जेवियर बार्टलेट ने और इस बॉल को पॉइंट की तरफ गाइड किया, एक सिंगल मिला। तो पावर सर्ज के दोस्तों इस ओवर में 2 छक्के और 2 सिंगल्स आ चुके हैं दोस्तों, मतलब 14 रन बन चुके हैं पहले ही ओवर में, पावर सर्ज के पहले ओवर में दोस्तों 14 रन बनते हैं। बॉलिंग का नेम चेंज, पता नहीं मेरे भाई क्या कहा है आपने, पूरी बात तो लिखें।
तो दोस्तों राशिद खान दूसरी नंबर पर जो के है सॉरी नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है 16 गेंदों पर 12 रन बनाने वाले। जॉन वेल्स के ऊपर अब जिम्मेदारी आई होती है, काफी देर से क्रीज पर मौजूद है। दोस्तों आखिरी बॉल रह गई है, दो लाइक्स रह गए हैं इस ओवर में, दो पांच लाइक्स नहीं हुए, तो काइंडली पांच लाइक्स आपने करने हैं। पॉइंट के फील्डर के पास से गेंद को फेला है कवर की जानब, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के करीब, कवर के जानिब से फील्डर तेजी से दौड़ते हुए आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया, तो इस तरह से दोस्तों दो रन लेने में कामयाब हुए हैं। तो बहुत ही शानदार ये ओवर आता हुआ, 16 रन इस ओवर में आए दोस्तों पावर सर्ज के इस ओवर में 16 रन की खुशी में। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपने इस ओवर में तीन लाइक्स किए हैं, दो लाइक्स अभी भी रह गए हैं दोस्तों, काइंडली दो लाइक्स पूरे कर दिए इस ओवर के ताकि पाँच लाइक्स पूरे हों। तो दोस्तों फिर जो कि हम अगले ओवर के भी हर ओवर में आप काइंडली पाँच पाँच लाइक्स मुझे प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक बोलता रहा हूँ, 1:15 बजे ये मैच शुरू हुआ है, अब 2:30 बज गए हैं, 1.25 घंटा हो चुका है दोस्तों, मैं बोल बोल के मेरा गला बिल्कुल जो क्या है दुख चुका है, सूख चुका है। तो यहाँ पर अगर तो आप लाइक करेंगे तो मुझे हौसला अफजाई मिलेगी, आप ना मुझे फ़ायदा नहीं होगा, लाइक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो क्या मुझे हौसला अफजाई मिलेगी, मैं मज़ीद जो क्या है लगन से। जी संदीप साहब क्या कह रहे हैं आप खुश हैं मैंने आपका नाम ले लिया यहाँ पर। तो दोस्तों दो छक्के लगाए राशिद खान ने पिछले ओवर में, एक छक्का टॉप एज लगा था विकेट कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार गया था, और एक छक्का जो के लगाया था अंपायर के सर के ऊपर से। तो दोस्तों इस तरह से दो छक्के लगे पिछले ओवर में। मुजीबुर रहमान की इस बॉल को उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पैड पर लगा और स्टम्प्स को भी बॉल लगी है दोस्तों यहां पर, तो बोल्ड हो चुके हैं राशिद खान मुजीबुर रहमान की बॉल में, एक अफगानिस्तान दूसरे अफगानिस्तान के प्लेयर से आउट हो चुका है दोस्तों यहां पर। दोनों अब इस ओवर से पहले काफ़ी खुशगवार मूड में खड़े थे राशिद खान और मुजीबुर रहमान, क्यों चूंकि दोनों का ताल्लुक था है अफगानिस्तान से, और यहाँ पर मुजीबुर रहमान सामना कर रहे थे राशिद खान, विकटों को छोड़ा था, छक्का लगाना चाह रहे थे लेकिन मिस हुए और गेंद सीधा पैड पर लगने के बाद स्टम्प्स पर जाकर लगी, और इस तरह से दोस्तों मुजीबुर रहमान ने आखिरकार पहली विकेट हासिल कर ली है, और इन्होंने पहली विकेट हासिल की है। आप बहुत अच्छे हैं संदीप साहब कह रहे हैं मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि मैं आपको पसंद आया। 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर राशिद खान आउट हुए, मुजीबुर रहमान ने इनको बोल्ड किया दोस्तों, 325 का धुआंधार इनका स्ट्राइक रेट है, 125 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 15.1 ओवर के बाद। मौजूदा रन रेट के हिसाब से दोस्तों 155 रन करने में कामयाब होगी एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। बॉलिंग वेक वक के नाम बदलो, पता नहीं संभजी पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ में आई। तो दोस्तों यहाँ पर जो के हैं कैले आए हैं यहाँ पर, और कैले सामना करेंगे मुजीबुर रहमान का। पावर सर्ज के ओवर में दोस्तों पहली विकेट गिरी है यहाँ पर, और पावर सर्ज में हम देखते हैं बॉलर्स का नाम, बॉलर इस वक्त है मुजीबुर रहमान दोस्तों। पावर सर्ज के ओवर में पहली विकेट आई है, पहले ओवर में 16 रन बने थे, थॉमस कैले आए हैं 127 का दोस्तों इनका स्ट्राइक रेट है, हाइएस्ट इनका है 41 रन, इतना ज़्यादा जो कि इनको तजर्बा नहीं है, लेकिन बहरहाल आज इनको अच्छी इनिंग ख़त्म करना होगी, एक अच्छा एंड देना होगा एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम को। फुल लेंथ बॉल था, बहुत ही तेज़ बॉल डाला है, यॉर्कर लेंथ एक किस्म का डाला था ये बॉल, मेरे ख्याल में जोगर पर लगने के बाद शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास गया, एक रन मिलेगा तो अंपायर को देखना होगा, अंपायर ने दोस्तों यहाँ पर लेग बाय का इशारा किया है। तो इस तरह से दोस्तों एक सिंगल आएगा यहाँ पर, एक सिंगल हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुजीबुर रहमान के 3.2 ओवर्स में 25 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया है यहाँ पर, तो मौका है यहाँ पर मुजीबुर रहमान के पास के इस ओवर में एक और विकेट हासिल करने का, क्योंकि पावर प्ले है और बाउंड्री लगाने के लिए जाएंगे यहाँ पर। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलाया सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में, लॉन्ग ऑन के फील्डर दोस्तों दायरे के अंदर मौजूद हैं, एक रन मिलेगा। तो अब जो दोस्तों तीन गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर के में, 85 लाइक्स होने चाहिए, अभी 2-3 लाइक्स और बाकी हैं मेरे भाइयों। जिस भाई ने भी लाइक नहीं किया काइंडली दोस्त लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सामना कर रहे हैं मुजीबुर रहमान का, कैले फुल लेंथ बॉल था, इसको स्वीप करना चाहते थे और गेंद जो कि बीट हुई है, डाउन द लेग साइड बॉल जाएगी सीधा शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के हाथों में, एक रन मिलेगा। इस दफा जो कि अंपायर ने लेग बाय का इशारा दिया क्योंकि बॉल पैड को लगी है इस दफा, इससे पहले मुसलसल दो दफा ऐसे हुए डाउन द लेग साइड बॉल वाइड गई थी और विकेट कीपर से मिस हुई, और एक दफा तो चौका गया था और एक दफा शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के हाथों में गई। तो काइंडली दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अभी भी लाइक रहते हैं इस ओवर में। फुलर लेंथ यॉर्कर डाला है, बहुत ही जबरदस्त यॉर्कर डाला है मुजीबुर रहमान ने, और इस पर सिर्फ बॉल पर कोई रन नहीं जाएगा, सीधा गेंद जो कि मुजीबुर रहमान के हाथों में जाएगा दोस्तों। अभी भी दोस्तों 83 लाइक्स हो चुके हैं, 2 लाइक्स रह गए हैं दोस्तों आखिरी गेंद पर, काइंडली 2 लाइक्स और कर दीजिए यहाँ पर। और बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट की जानिब, फील्डर तेजी से गेंद के नीचे आते हुए और 2 रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन आए हैं दोस्तों 17 ओवर्स के बाद दोस्तों 130 रन हो चुके हैं, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के।
तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर, जहाँ से भी हैं आप, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जिस जगह से भी हैं आप, आपको वो मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पर। जिस भाई ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं बिग बैश के सारे मैचेस कवर करूँगा। उसके अलावा दोस्तों मैं वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड की सीरीज़ भी लाऊँगा, आपको कमेंट्री प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा इसके बाद जो कि है, इस सीज़न के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग कवर करूँगा, PSL कवर करूँगा, तो डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है। उसके अलावा सुपर स्मैश भी चलता है दोस्तों, हम सुपर स्मैश के भी मैचेस कवर करते हैं। न्यूजीलैंड की जो एक प्रीमियर लीग है सुपर स्मैश, उसके भी दोस्तों हम मैचेस कवर करते हैं। तो इस सब से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, एक लाइक अभी भी रहता है पिछले ओवर का। प्रेस्टविच ने दोस्तों 3 ओवर में 25 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया है दोस्तों, काइंडली एक लाइक रह गया है पिछले ओवर का, एक लाइक कर दीजिएगा ताकि 85 पूरे लाइक्स हो जाएं यहां पर। 17 ओवर्स के 5-5 लाइक्स हर ओवर के होने चाहिए। दूसरी जानिब दोस्तों मैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया की अपडेट देता चलूं, तो 53 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हैं साउथ अफ्रीका के, तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है साउथ अफ्रीका की टीम। उमेश यादव ने एक विकेट हासिल किया है, शार्दुल ठाकुर अपना पहला ओवर कर रहे हैं दोस्तों। तो आखिरी के मैं आपको बताता चलूं, 10 ओवर में सिर्फ 24 रन बने हैं, एक विकेट गिरी है, तो साउथ अफ्रीका के 53 रन, 3 खिलाड़ी आउट हैं, और इंडिया की टीम को 223 पर ऑल आउट करने के बाद 170 का जो के है खसारा है साउथ अफ्रीका टीम, 170 रन पीछे हैं यहाँ पर। फुलर लेंथ बॉल थी, इस बॉल को खेल दिया पॉइंट के फील्डर के के ऊपर से, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार, तो बाउंड्री मिलेगी। कैली ने अपना अकाउंट बाउंड्री के साथ ओपन किया है दोस्तों, यहां पर बाउंड्री के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। फुलर लेंथ बॉल थी, इस बॉल को कवर की जानिब खेलना चाहते थे, बॉल जो के है पॉइंट के फील्डर के ऊपर से गई बाउंड्री लाइन के पार, तो 4 रन बनेंगे। तो दोस्तों बताता चलूं आपको, आखिरी 5 ओवर्स में बन चुके हैं 46 रन, तो ये अच्छा एंड जा रहा है। आखिरी 5 ओवर्स में 46 रन बन चुके हैं दोस्तों, ये अब ये नया ओवर शुरू हो चुका है दोस्तों। इस ओवर के भी आपने 5 लाइक्स करने हैं, इस ओवर में 90 तक लाइक्स होने चाहिए। तो जिस मेरे भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप सामना करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, केले 4 रन हो चुके हैं इनका, सामना करेंगे। और स्लो फुल टॉस बॉल थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, इस बॉल को केले समझ रहे थे कि वाइड बॉल है, इसी वजह से जाने दिया, लेकिन जो कि वाइड बॉल नहीं दी, अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया वाइड का। तो यहाँ पर दोस्तों 4 गेंदे बाकी हैं और 4 लाइक्स बाकी हैं 90 होने में। तो काइंडली जिस मेरे भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, बल्कि एक और भाई था जिसने लाइक किया हुआ था, उसने डिसलाइक कर दिया है और लाइक को ख़त्म कर दिया, तो मेरे भाई वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। 4 गेंदे दोस्तों इस ओवर में बाकी हैं, 2 गेंदों पर पहला चौका लगा जो पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से आया, और उसके बाद जो कि एक डॉट बॉल डाली है यहाँ पर, और यहाँ पर स्लो बॉल डाली है, इस बॉल को खेलना चाहते थे, कवर की जानिब खेला, गेंद हवा में आई, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और ज़ोरदार डाइव लगाकर कैच को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कैच को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। क्रिस लिन पहुँचे हैं, क्रिस लिन ने मुबारकबाद दी है कि तुमने एक अच्छी ट्राई की है यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों स्कोर हो चुका है यहाँ पर बढ़ता हुआ 136 रन। फुलर लेंथ बॉल थी, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन सही तरह से कनेक्ट नहीं कर सके, और यहाँ पर जो कि कवर से फील्डर तेजी से दौड़ते हुए कैच का बहुत ज़बरदस्त ट्राई मारा है यहाँ पर। तो दोस्तों 4 लाइक्स रह गए हैं इस ओवर में, 90 तक लाइक्स पहुँचाने हैं, तो काइंडली दोस्तों वीडियो को ज़रूर 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 लाइक कर दें, 90 तक लाइक पहुँचा दें। लो फुल टॉस बॉल थी, इस बॉल को खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ पे जो बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, तेज़ी से उन्होंने बॉल को उठाया ताकि कहीं ये डबल रन ना ले लें, और इस तरह से दोस्तों स्कोर हो चुका है 137 रन, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 17.4 ओवर के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि मैं आपको बताता चलूँ, डेविड हसी हेडसेट पर मौजूद हैं, जो कि बैटिंग टिप्स दे रहे हैं यहाँ पर के फ्रंट फुट पर इस तरह से ड्राइव खेलनी है, शॉर्ट पिच बॉल पर इस तरह से पुल करना है। तो यहाँ पर जो कि है जॉन वेल्स के 20 गेंदों पर 17 रन हैं, इनको चाहिए कि ये अच्छा इख्तिताम प्रोवाइड करें। 2 गेंदों का दोस्तों खेल रह गया इस ओवर में, 2 गेंदों का खेल रह गया और 3 लाइक्स रह गए हैं इस ओवर के, इस ओवर में 2 लाइक्स आए हैं, 3 लाइक्स रह गए हैं। तो मेरे जिस दोस्त ने भी लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें ताकि जो कि दोस्तों 90 लाइक्स पूरे हो जाएँ इस ओवर में, क्योंकि हर ओवर का हमारा 5-5 का टारगेट है। तो इस ओवर में दोस्तों 2 लाइक्स हो गए हैं, 3 लाइक्स रह गए हैं, तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। प्रेस्टविच सामना करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, जॉन वेल्स सामना करेंगे प्रेस्टविच का। थोड़ी सी छोटी बॉल थी, कवर की जानी बैकफुट पर जाकर पंच किया है, कवर से फील्डर तेजी से दौड़ते हुए दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल एन वक्त पर मना किया और बिल्कुल ठीक मना किया, इस तरह से एक बॉल मिलेगा। शौकत फ्रॉम जम्मू कश्मीर से जी, आपको बहुत बहुत वेलकम क्रिकेट फैन शौकत साहब, आपको बहुत बहुत वेलकम। सबको जहाँ जहाँ से भी हैं मेरे भाई, सबसे सब दोस्त जहाँ जहाँ से भी हैं, सबको मेरी जानिब से मैं हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों 1 गेंद रह गई है और इस ओवर के 3 लाइक्स रह गए हैं, काइंडली 3 लाइक्स पूरे करके 90 लाइक्स कर दीजिए। सामना करने के लिए तैयार हैं केले,
थोड़ी सी फुल लेंथ बॉल थी और इस बॉल को कवर की जानिब खेला है शॉर्ट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा दोस्तों। ओवर का इख्तिताम हो चुका है 18 ओवर्स के बाद दोस्तों, स्कोर पहुंच चुका है 139 रन चार खिलाड़ियों के नुकसान पर दोस्तों। अभी भी 3 लाइक्स रहते हैं, 90 लाइक्स होने चाहिए थे पिछले ओवर के, 3 लाइक्स रहते हैं दोस्तों, काइंडली 3 लाइक कर दीजिए। आई एम फ्रॉम बिहार, जी हाँ आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद, मुजाहिदुल इस्लाम बिहार से आपका ताल्लुक है, लेकिन अगर आपने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। शौकत साहब आपने भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ दोस्तों, 165 की एवरेज है इस पिच पर, 165 की एवरेज के हिसाब से जा रही है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम। 165 रन तो नहीं कर सकती, लेकिन देखते हैं कि 165 के करीब करीब करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर बाउंड्री की ज़रूरत है सामना करने के लिए, तैयार हैं यहां पर कैले, तो देखते हैं क्या कैले छक्का चौका लगा सकते हैं या नहीं दोस्तों। पिछले ओवर में 90 तक लाइक्स पहुंचाने थे लेकिन अब तक 90 तक नहीं पहुंचे, काइंडली आप जो के हैं 90 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए ताकि पिछले ओवर के टारगेट पूरा हो। अब जो के है यहां पर जो के है इस ओवर के भी फिर मज़ीद आपको 5 लाइक्स करने होंगे, तो कैले सामना करने के लिए तैयार हैं। कोहनेमन को दोस्तों लाया गया, बहुत ही ख़राब डिसीजन लग रहा है मुझे क्रिस लिन का, क्योंकि आखिरी के ओवर्स में स्पिनर्स को ओवर्स नहीं देना चाहिए, 80% चांस होता है स्पिनर्स को महंगा पड़ने का। और जी हाँ बिल्कुल, इसको उठाकर खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई 6 रन के लिए, कैले को मिला है दोस्तों छक्का, पहला छक्का लगाया कैले ने अपनी इनिंग का दोस्तों। 1 लाइक रह गया पिछले ओवर के लाइक्स पूरे होने में, 90 लाइक्स पूरे होने में 1 लाइक रह गया दोस्तों। 72 मीटर का दोस्तों यहां पर छक्का लगाया है कैले ने, थोड़ी सी फुल लेंथ बॉल थी, इस बॉल को उठाकर खेला है लेग साइड डी स्क्वायर लेग की जानिब, डी स्क्वायर लेग की जानिब फील्डर मौजूद थे, उन्होंने जंप की भी किया था लेकिन जो कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई 6 रन के लिए। इसी छक्के के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। एक दफा फिर से शॉट उठाने की कोशिश की है, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, बॉलर खुद गेंद के नीचे आए और कैच ड्रॉप कर दिया है दोस्तों, यहां पर अनबिलीवेबल सीन, बहुत स्लो बॉल डाली, इस बॉल को उठाकर खेलना चाहते थे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद हवा में गई, काफ़ी देर हवा में रुकी, बॉलर खुद कैच पकड़ने के लिए गए दोस्तों, लेकिन जो के है कैच को ड्रॉप कर दिया, ये आसान कैच था पकड़ना चाहिए था लेकिन जो के है इन्होंने कैच को ड्रॉप कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों 90 लाइक्स पूरे हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, लेकिन इस ओवर के 5 लाइक्स रहते हैं, काइंडली इस ओवर के 5 लाइक्स पूरे करके 95 लाइक्स कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी बॉल थी, इस बॉल को खेल दिया है कवर की जाने फील्डर जो कि बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं, तेज़ी से दौड़ते हुए हैं दोस्तों और 1 रन लेने में कामयाब हो गए हैं और इस तरह से स्कोर पहुँच चुका है दोस्तों 147 रन चार खिलाड़ियों के नुकसान पर। मौजूदा रन जो के रन रेट के हिसाब से स्कोर जो क्या होगा 159, 10 रन रेट के हिसाब से अगर जाते हैं तो स्कोर बनेगा 162, 12 रन रेट के हिसाब से 165, 14 के रन रेट के हिसाब से 168। सामना करने के लिए तैयार है, फुल लेंथ बॉल था और इसको गाइड करना चाहते थे लेकिन जो क्या है सीधा गेंद बॉलर के पास गया, कोहनेमन के पास से गया, तो अभी तक कई अच्छा ओवर आता हुआ, पहले एक छक्का लगाया है और दो सिंगल्स बन चुके हैं दोस्तों, अब तक इस ओवर में 8 रन बने हैं। तो यहां पर आप भी टीचर हैं मेरे भाई, मैं भी टीचर हूं, मैथ स्पेशलिस्ट हूँ, आप किस चीज़ सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। इस बॉल को खेल दिया दोस्तों मिड विकेट की जानी, फील्डर मौजूद है यहाँ पर और दूसरा रन लेना चाहते हैं कैले, लेकिन जॉन वेल्स ने इनको मना किया। हाँ जी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, बताएं आप किस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी तो एम फिल मैथ्स क्वालिफिकेशन है और मैं मैथ्स स्पेशलिस्ट हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं FSC स्टैंडर्ड की। और यहाँ पर दोस्तों आखिरी गेंद पर दोस्तों इस ओवर के 5 लाइक्स तो रह गए, किसी ने भी भाई ने भी इस ओवर के 5 लाइक्स पूरे नहीं किए, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दिए काइंडली। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने, डाइव लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए, लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद के पीछे पहुंचे, तो इस तरह से दोस्तों 2 रन हासिल किए हैं यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों 150 हो चुका है हमारे पास एडिलेड स्ट्राइकर्स के, दोस्तों फैंस ज़्यादा हैं तो 150 होने की खुशी में काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मेरे भाइयों। अच्छा तो वाजिवा इंग्लिश के आप स्पेशलिस्ट हैं, कौन कौन सी क्लास तक को आप पढ़ा लेते हैं इंग्लिश? तो यहाँ पर दोस्तों 19 ओवर्स हो चुके हैं, 19 ओवर्स के बाद 150 रन हो चुके हैं चार खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में देखते हैं, जेवियर बार्टलेट का एक ओवर रहता है तो मुझे लगता है कि जेवियर बार्टलेट को आखिरी ओवर दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जेवियर बार्टलेट का जो आखिरी ओवर रहता था उनको दिया जाएगा यहाँ पर। और अगर हम एक दफा फिर से वो कैच ड्रॉप देखें तो 4 सेकंड, 4.5 सेकंड मिले थे बॉलर को कैच के लिए, कैच के नीचे आने में, कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन जो कि है वो कैच को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। बहरहाल 150 रन हो चुके हैं चार खिलाड़ियों के नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का स्कोर। दोस्तों जिस भाई ने भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमने फर्स्ट इनिंग से पहले तक 100 का टारगेट पूरा करना है। और यहाँ पर स्लो बॉल थी, इस बॉल को खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में, 1 रन मिलेगा। यहाँ पर दूसरा रन लेने के लिए तेज़ी से दौड़े हैं और 2 रन लेने में कामयाब हुए हैं, ओवर थ्रो का भी रन लेना चाहते हैं लेकिन जो कि दोस्तों 2 ही रन मिलेंगे यहाँ पर। बैकअप में फील्डर मौजूद थे। अच्छा तो आप एलिमेंट्री टीचर हैं, चलें ठीक है मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए।
लेकिन आप याद रखिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी क्रिकेट के फैंस हैं, हम भी क्रिकेट के फैंस हैं। बिग बैश लीग मैं लेके आया हूँ, इसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग लेके आऊँगा, PSL लेके आऊँगा, उसके अलावा जो कि दोस्तों वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड की सीरीज़ चल रही है वो लेके आऊँगा, जिसका मैच जो कि है कल शाम को 7 बजे है, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड का मैच, उस पर कमेंट्री हम करेंगे। और दूसरा मैच जो पोस्टपोन हुआ था उसको रीशेड्यूल किया गया है कोविड की वजह से, और यहाँ पर दूसरी गेंद पर सामना करने के लिए तैयार हैं, बैकफुट पर गए और स्लो बॉल डाली है जेवियर बार्टलर ने, इस बॉल को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, तेज़ी से 2 रन लिए मुकम्मल होंगे। जी हाँ बिल्कुल, यही खासियत है ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स की, ज़रा सा फ्लिक करें बाउंड्री लाइन पर जो फील्डर मौजूद होता है उसको पहुंचने में देर लगती है, तो इस तरह से तेज़ी से 2 रन मिल जाते हैं। तो आखिरी 3 गेंदों पर 2-2 रन बने हैं, तो यहाँ पर जो कि आखिरी 3 गेंदों पर 6 रन बने हैं इन्हीं डबल डबल के साथ, तो इसी के डबल डबल के साथ इस ओवर में 12 रन भी बना सकते हैं। यहाँ पर कहले 2 गेंदों पर 2 डबल ले चुके हैं यहाँ पर बार्टलेट, आखिरी ओवर कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई विकेट नहीं मिली, आज महंगे भी साबित हुए हैं ये। और एक दफा फिर से स्लो बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पर थी, इस बॉल को लॉन्ग ऑफ की जानिब खेल दिया, एक दफा फिर से 2रन लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट लग सकती है तो काम बन सकता है, लेकिन नहीं, एक दफा फिर से डबल रन लेने में कामयाब हो गए हैं। तो दोस्तों काइंडली वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जिस मेरे भाई ने भी लाइक नहीं किया, हमने पहली इनिंग्स में 100 लाइक्स पूरे करने थे, लेकिन जो कि है लाइक्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 90 है, 100 रन तक 100 तक लाइक्स की तादाद नहीं पहुंच सकी, तो काइंडली आप भी जो कि है वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि 100 लाइक्स पूरे हो मेरे भाइयों। यहाँ पर 3 गेंदों पर 3 डबल ले चुके हैं, पिछली 4 गेंदों पर वैसे ओवरऑल 4 डबल बन चुके हैं यहाँ पर, और सामना करने के लिए तैयार हैं कैले। अच्छी सोच है कैले की कि अगर बाउंड्री नहीं लग सक पा रही तो आप डबल ले लें, क्योंकि इसी में जो कि, और इस बॉल को जो कि फुल लेंथ बॉल था, इस बॉल को गाइड किया डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानी भी, एक दफा फिर से डबल लेने की कोशिश और कामयाब हो चुके हैं, डाइव लगाई है यहाँ पर, तो 4 डबल ले चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं रन, क्योंकि 4 मुसलसल डबल लेना कोई आसान काम नहीं है, और यहाँ पर जो कि है दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं पिछली 5 गेंदों पर 5 डबल आ चुके हैं और 4 गेंदों पर 4 डबल आ चुके हैं इस ओवर की, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, चौका लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसी और डेविड हसी जो के है हेडसेट से है गाइड कर रहे हैं यहाँ पर बैटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिदुल इस्लाम साहब, जिस जिस भाई ने भी, जिस जिस दोस्त ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली लाइक कर दीजिएगा वीडियो को इनिंग्स को खत्म होने से पहले। और आउटसाइड ऑफ स्टंप थी बॉल, अंपायर को देखना होगा कि अंपायर ने ये बॉल वाइड बॉल करार दी है या नहीं, नहीं अंपायर ने इस बॉल को बाय करार दिया है, क्योंकि इस बॉल पर तेज़ी से 1 रन हासिल किया तो अंपायर ने बाय का 1 रन दिया है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि एक बॉल बाकी रह गई है, 9 रन बन चुके हैं इस ओवर में, अच्छा ओवर साबित होता हुआ एडिलेड स्ट्राइकर क्रिकेट टीम के लिए, फाइटिंग टोटल करने में कामयाब हो गई है। कहाँ हैं वो लोग जो कह रहे थे कि 180 करेंगे 170 करेंगे, तो मैंने शुरू शुरू में कहा था कि 160 लग रहा है मुझे लग रहा है कि 160 करेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम, लेकिन वो नहीं माने और कह रहे थे कि जी बैटिंग पिच है तो 80 रन करेंगे इतने और उतने, तो देख लें आप भी 159 मतलब 160 स्कोर बनाया यहाँ पर, क्योंकि 165 की एवरेज और 160 भी जो कि ब्रिस्बेन के लिए ज़्यादा है, उनकी बैटिंग लाइनअप कमज़ोर है यहाँ पर। इस बॉल को फाइन लेग की जानिब डीप मिड विकेट की जानिब खेल दिया है फील्डर तेजी से गेंद के पीछे आते हुए और आसानी से 2 रन मुकम्मल करेंगे दोस्तों, 11 रन इस ओवर में आए हैं, एक अच्छा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को लाइक करता जाए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों 20 ओवर में 161 रन हो चुके हैं, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, इनिंग्स का इख्तिताम हो चुका है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा कहीं जाइएगा, दूसरी इनिंग्स में भी मैं कमेंट्री लेके आऊँगा, नमाज का टाइम है तब तक हम नमाज पढ़ लेते हैं और इनिंग्स के ब्रेक तक जो कि है नमाज का वक्फा होगा, इनिंग्स के बाद दोबारा से कमेंट्री शुरू होगी, तो जो भाई भी जाएगा यहाँ पर वीडियो को ज़रूर लाइक करता जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिदुल इस्लाम साहब आपका।
तो दोस्तों आप सभी को खुश आमदीद। दोनों ने ओपनिंग बल्लेबाज जो कि हैं ब्रिस्बेन हीट के, वो आ चुके हैं ग्राउंड में बैटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 162 रन का टारगेट दिया है एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने होबार्ट हरिकेन्स की टीम को। तो देखते हैं यहाँ पर 162 रन का टारगेट चेस करने में कामयाब होती है या नहीं ब्रिस्बेन हीट की टीम। तो यहाँ पर जो कि दोस्तों ओपन करने के लिए आए हैं क्रिस लिन के साथ जो कि मौजूद हैं मिक्स स्वीनी जो कि दोस्तों क्रिस लिन के साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों क्रिस लिन आज कितने रन्स करेंगे? तो ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ लाइक्स की तादाद 100 होने में 5 बाकी है, तो 5 लाइक्स रह गए हैं दोस्तों 100 होने में। यहाँ पर तो क्या मैट शॉट को पहला ओवर देने का फैसला किया है, तो देखते हैं हम पहला ओवर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिस लिन ओपनिंग बल्लेबाज आए हैं, यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार हैं। क्रिस लिन पेस के अगेंस्ट भी हिटिंग पावर हिटिंग करते हैं, पावर हिटिंग इनकी बहुत है। स्पिनर के अगेंस्ट काफ़ी वीक हैं क्रिस लिन, और यहाँ पर जो कि रिलायबिलिटी में इनकी बिल्कुल नॉर्मल है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्रिस लिन कैसा स्टार्ट देंगे। मैट शॉट पहला ओवर करेंगे 48 मैचेस में दोस्तों, इन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं। अमूमन जो कि दोस्तों ये स्टार्ट नहीं करते, लेकिन आज जो कि है स्टार्ट करने के लिए आए हैं। तो देखते हैं हम कि ये आज किस तरह से अपनी टीम को कितना अच्छा आगाज़ देने में कामयाब होते हैं मैट शॉट। तो यहाँ पर जो कि क्रिस लिन पहली बॉल पर सामना कर चुके हैं मिक्स्वीनी, और इस बॉल को डिफेंसिव अंदाज में खेल दिया है। दूसरी बॉल पर सामना करेंगे दोस्तों मिक्स्वीनी, मैट शॉट की गेंद पर इस बॉल को सिंगल लेना चाहते हैं, लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया और एक रन हासिल किया दोस्तों। तो पहला रन लिया है यहाँ पर, अपना काउंट ओपन किया है मिक्स्वीनी ने, अपनी टीम का काउंट ओपन किया और दोस्तों स्कोर हो चुका है 1 रन बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर मिक्स्वीनी का और होबार्ट हरिकेन्स ब्रिस्बेन हीट की टीम का। 2 गेंदों के बाद 1 रन। तो दोस्तों 2 गेंदों के बाद 1 रन हो चुके हैं यहाँ पर। क्रिस लिन सामना करने के लिए तैयार हैं, देखते हैं हम कि क्रिस लिन कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं। आज फुल लेंथ बॉल था, इस बॉल को पंच किया है फ्रंट फुट में जाकर और गेंद गई है सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में, एक और रन लिया है। तो क्रिस लिन ने दोस्तों पहली ही गेंद पर एक सिंगल लिया है और पहली ही गेंद पर अपना अकाउंट ओपन कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 लाइक्स की तादाद रह गई है 100 होने में। तो 100 होने में सिर्फ 5 लाइक्स रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी से 5 लाइक्स पूरे कर दिए ताकि 100 से ऊपर हो जाए यहाँ पर। और 3 गेंदों पर दोस्तों 2 रन हो चुके हैं बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। तीसरी गेंद पर सामना करेंगे मिक्स्वीनी, और विकेटें छोड़ी हैं यहाँ पर फाइन लेग के फील्डर के सर के ऊपर से स्वीप किया है और गेंद जाएगी 2 बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के पास 4 रन के लिए दोस्तों। तो 4 गेंदों पर बन चुके हैं स्कोर 6 बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। स्टम्प्स को छोड़ा था, स्टम्प्स को छोड़कर गए थे, पहले ही अपना इरादा जाहिर कर दिया था कि ये जाएंगे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के सर के ऊपर से स्वीप करने के लिए, और गेंद गई है इस तरह से दोस्तों बाउंड्री लाइन के पार। तो 4 रन मिले हैं यहां पर। तो पहली बाउंड्री आई है दोस्तों मिक्स्वीनी के बल्ले से, मिक्स्वीनी ने अपनी पहली बाउंड्री लगाई है और ब्रिस्बेन हीट की पहली बाउंड्री लगाई है। फुल लेंथ बॉल था, इस बॉल को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की जानिब, लेकिन खेल बैठे हैं सीधा बॉलर के हाथों में। तो दोस्तों इस तरह से डॉट बॉल आई है यहां पर। तो 5 गेंदों पर दोस्तों 6 रन बन चुके हैं, 156 रन की जरूरत है 115 गेंदों पे। जो रिक्वायर्ड रन रेट है दोस्तों वो है 8.14 रन पर ओवर। सामना करने के लिए तैयार है मिक्स्वीनी, एक दफा फिर से विकेटें छोड़ी हैं, एक दफा फिर से फाइन लेग के फील्डर के सर के ऊपर से उठाकर खेलने का ट्राई किया है, लेकिन जो कि शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के हाथों में खेल बैठे हैं और इस तरह से दोस्तों कैच आउट हो चुके हैं यहाँ पर। पिछला चौका अगर हम देखें दोस्तों, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के सर के ऊपर से उठाकर खेलने में कामयाब हो चुके थे, तो चौका लगाने में कामयाब हो चुके थे। इस दफा भी वही कोशिश की थी कि शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के सर के ऊपर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन जो कि दोस्तों कामयाब नहीं रहे और शॉर्ट फाइन लेग पे जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने एक आसान कैच पकड़ा। तो दोस्तों मिक्स्वीनी की पहली विकेट गिरेगी ब्रिस्बेन हीट को पावर प्ले में, जो दोस्तों विकेट की तलाश थी मिल चुकी है। मिक्स्वीनी आउट होकर जा चुके हैं 5 रन बनाकर, 100 का इनका स्ट्राइक रेट है दोस्तों। 1 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 6 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। दूसरी यानी दोस्तों क्रिस लिन एक गेंद पर 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तो दोस्तों पहला ओवर होने में सिर्फ 1 गेंद बाकी है यहाँ पर, अगले ओवर में सामना करेंगे दोस्तों क्रिस लिन। तो दोस्तों
सिर्फ और सिर्फ 5 लाइक्स रह गए हैं 100 लाइक्स पूरे होने में। तो जिस भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो कि 100 लाइक्स पूरे हों। यहाँ पर बॉल बाय बॉल हम कमेंट्री प्रोवाइड करें। कल जो कि है वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड का मैच है, शाम को 7:30 बजे वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड का दूसरा वनडे इंटरनेशनल, जो कि कल होना था लेकिन उसको पोस्टपोन किया था कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से, जो कि कोविड केसेस निकले थे आयरिश कैंप से। तो दोस्तों यहाँ पर 180 रन किए हैं 48 के स्ट्राइक रेट के साथ, नए आने वाले बल्लेबाज हैं फेफर, सामना करने के लिए तैयार हैं क्रिस लिन दोस्तों, चूँकि ओवर हो चुका है यहाँ पर, इसी वजह से दोस्तों जो कि एक क्रॉसिंग होगी और क्रिस लिन सामना करेंगे। एक गेंद पर इन्होंने दोस्तों एक रन बनाया है यहाँ पर फिफर का दोस्तों 51 का जो कि है शिफल शील्ड का स्ट्राइक रेट है, 133 का स्ट्राइक रेट है 51 की जो कि इकोनॉमी रेट है और 18 की इनकी एवरेज है यहाँ पर। तो देखते हैं बिग बैश लीग में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं फेफर। यहाँ पर पिछले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी फेफर ने, और अब जो कि क्रिस लिन सामना कर रहे हैं यहाँ पर। मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है ब्रिस्बेन हीट का दोस्तों, सामना करने के लिए तैयार हैं। डाउन द लेग साइड बॉल वाइड जाती हुई बॉल, तो दोस्तों इस तरह से पहली बॉल वाइड डाली है हैरी कॉनवे ने। 11 गेंदों पर 9 मैचेस में 2 विकेटें हासिल करने वाले हैरी कॉनवे सामना करने के लिए दोस्तों तैयार हैं यहां पर क्रिस लिन इनका सामना करेंगे दोस्तों यहाँ पर हैरी कॉनवे का। कदमों का इस्तेमाल किया, जोरदार शॉट लगाया लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आउट स्विंग हुआ गेंद और इस तरह से बीट हुए हैं। गेंद सीधा जाएगी विकेट कीपर के हाथों में, इस तरह से दोस्तों डॉट बॉल आएगी यहाँ पर।
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए क्रिस लिन को आउट किया है। तो अब तक दोस्तों यहाँ पर स्कोर हो चुका है 2.3 ओवर्स में 19 रन हो चुके हैं दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी दोस्तों 143 रन की ज़रूरत है। तो जैसा कि हम बात करते हैं, पीटर सिडल ने आज डेब्यूटेंट को कैप दिया है और डेब्यूटेंट ने आज जो कि दूसरी ही गेंद पर दोस्तों विकेट हासिल की है क्रिस लिन की। डेब्यूटेंट कौन है? वो है थॉर्नटन, जिन्होंने आज दूसरी गेंद पर विकेट हासिल की है। बिग बैश लीग का डेब्यू किया था इन्होंने, फुलर लेंथ बॉल था, इस बॉल को सीधा खेल दिया है, लेग साइड की जानी फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा दोस्तों। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 20 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का। तो अब तक दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, 2.4 ओवर्स के बाद 20 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर फेफर के दो गेंदों पर दो रन हो चुके हैं। पेंडक आए हैं दोस्तों नए आने वाले बल्लेबाज, दो गेंदों पर इन्होंने 3 रन बना लिए हैं दोस्तों यहाँ पर।